So hello guys and welcome to the stream. Assalamu alaikum guys, kaise hain aap sab log? So guys, idhar jo hai hamare matches jo hai abhi start ho chuke hain aur yahan par jo sab sari team jo hai yahan par entry le chuki hai and isi ke sath sath jo hum yahan par dekhne wale hain guys ki squad ki tarah ek baar hum nazar gur mal ke DW ki squad aate hain aur Irfan Hamzi aur Ibrar Opi with GS Ghost yahan par aa chuke hain. TMG ki squad aate hain, 4 man squad aate hain. SK ki squad aa chuke hain with UN ki player Hassan, SK ke sath aa chuke hain. Kadir aate hain, Gulfam was Hazi yahan par aate hue Spins Gulfam vs Gulfam yahan par apni squad ki taraf wapas aate hue yahan par kahin na kahin and isi ke sath sath hum dekhte hain UNK ki squad yahan par jo wapas aa gayi hai. Yahan par jo 4 man yahan Road Panda Vaidi ki squad aa chuki hai, Scorpion R3 Blaster and Rose Stone ke sath. 9 number pe agar slot pe dekhe to Shaka Boom yahan par execute ki squad aate hue 4 man squad unka as usual wapas aate hue yahan pe and isi ke sath sath aap dekhte hain 10 number pe jo hai FHE ki squad aate hue TN Noyan ZEX TN Crazy and Mohsin Opi aa chuke hain. 11 number par Team All Stars aate hue 12 jaate hue to Cartel ki squad aate hue की स्क्वाड आते हुए 14 जो हम देखते हैं यहाँ पे S2 गेम भी होना था बारबी एंड W3 बाबा के साथ एंड बाकी स्क्वाड्स की तरह अगर होना था बुरा की स्क्वाड यहाँ पे पूरी होती हुई DW की स्क्वाड अगर जो है दूसरी है लाइनअप ये आ चुकी है. OAS की स्क्वाड यहाँ पर आ चुकी है, ZR का स्क्वाड 4 मैन आते हुए, OAS का सेकेंड लाइन अप यहाँ पे आते हुए, S22 पे अगर हम देखें तो GBM का आज स्क्वाड आते हुए, TRT की स्क्वाड आते हैं, NCSR T20 की स्क्वाड 24 नंबर स्लॉट पॉइंट 25 पे जो आप देख सकते हैं अगेन टीम ऑल स्टार्स का सेकंड लाइन आवाज़ है. बट इसी के साथ साथ हम जाने वाले हैं टुवर्ड्स दी प्लेन पाथ और अगर हम प्लेन पाथ की बात करें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ से जाता हुआ ये प्लेन पाथ गोइंग टूवर्ड्स दी नॉर्थ साउथ ईस्टर्न पार्ट की तरफ जाता हुआ ये प्लेन पार्ट जो एंड होता हुआ हमको जरूर दिखाई दे रहा है. बट इसी के साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको सबको पता है कि ये जो ड्रॉप पॉइंट्स हैं यहाँ पर पहले से एलोकेटेड होते हैं सारे के सारे यहाँ पर जो टीम्स हैं उनकी पहले से ही. बट इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न साइड का जो ये प्लेन पाथ है काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करते हुए, बट इसी के साथ जो वेस्टर्न साइड के जो ड्रॉप पॉइंट्स हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको डिफिकल्टी ज़रूर होगी टीम्स को यहाँ पर अचीव करने में. बट कहीं ना कहीं जैसा हमको पता है कि ये लोग कहीं ना कहीं जो है एक गाड़ी का यूज़ ज़रूर करते हैं अपने ड्रॉप पॉइंट्स की तरफ जाने के लिए जो कंप्लीट वेस्टर्न साइड की तरफ होने वाले हैं. बट इसी के साथ साथ हमको एक अर्ली क्लैशेस ज़रूर देखने को मिलेंगे गाड़ी लेने के लिए यहाँ कहने के लिए क्लैशेस ज़रूर होते हैं. बट इसी के साथ जो फर्स्ट जोन है वो भी फॉर्म होते हुए एंड अगर आप फर्स्ट जोन की अगर आप बात कर रहे हैं तो गाइज गोइंग टूवर्ड्स द वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न थोड़ा साइड जाते हुए पूरे का पूरे जो वेस्टर्न साइड है उसको पूरा का पूरा प्रेफर करता हुआ फर्स्ट जोन. बट इसी के साथ साथ ड्रॉप पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर टीम जो अपने ड्रॉप पॉइंट्स की तरफ जाते हुए जरूर दिखाते हैं. बट इसी के साथ हम यहाँ पर दिख रहे हैं T20 की जो ये टीम है मूसा बापू MMN बीस्ट यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से इनका कहीं ना कहीं जो है नॉर्थ सिटी में एक क्लैश जरूर देखने को हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है. बट यहाँ पर इसी के साथ T20 बीस्ट अपनी लूट करते हुए जरूर दिखा देंगे. फिलहाल के लिए इनके हाथ में अभी एक शॉट गन है मेरे ख्याल से जो उनके हाथ लगी हुई है फिलहाल के लिए और ये लोग आगे बढ़ते हुए अपनी लूट करते जरूर यहाँ पर दिखा देंगे. बट इसी के साथ जो दूसरी टीम यहाँ पर आती है वो है कार्टेल की टीम. हम देख सकते हैं कि नॉर्थ सिटी में यहाँ पर इनका एक ड्रॉप क्लैश है. कार्टेल की अगर हम बात करें किंग ओपी यहाँ पे फिलहाल के लिए अपनी लूट करते जरूर दिखा. बट इसी साथ हाजी ने वहाँ पर जो क्योंकि स्टैंड को जरूर वहाँ पर जो है नॉक किया विद दैट DB और इसी के साथ साथ मे भी एक फर्स्ट एलिमिनेशन जो यहाँ पर हमको देखने को जरूर मिल सकता है. जैसे यहाँ पर क्योंकि स्टैंड जो बहुत ज़्यादा ओपन में गाड़ी की तरफ जाने की कोशिश उनकी थी, बाइक उठाने की कोशिश जरूर की गई थी उन्होंने यहाँ पर. बट इसी के साथ साथ वो यहाँ पर जो है हाजी का यहाँ पर DP का शिकार होते हैं यहाँ पर उसी के साथ उनको फिनिश जरूर किया जाएगा. फर्स्ट किल जो है इस गेम का क्योंकि स्टैंड का जो है यहाँ पर इसी के साथ साथ जो है स्पिन्स की जो ये टीम है जो OS की ये टीम है उन्होंने यहाँ पर एक अपने नाम जो है पॉइंट जरूर किया है. बट इसी के साथ साथ ZR की टीम की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर ZR के शैडो को भी जो है वहाँ पर वो खो चुके हैं. 4 मैन स्क्वाड्स हैं यहाँ पे, 3 मैन स्क्वाड उनका बहुत ही जल्दी होते हुए फिलहाल के लिए यहाँ पे कॉमी काला निथन ईथन जो है अभी फिलहाल के लिए सर्वाइव करते हुए जरूर दिखा देंगे. लूट करते हुए दिखा रहे हैं स्प्लिट ड्रॉप इन्होंने यहाँ पर लिया है. इसी के साथ साथ हमने लूट की बात करें तो हमने AKM NM4 इनके कामी के हाथ लग चुकी है. 10 बैंडेजेस हैं, लेवल 2 का वेस्ट, लेवल 1 का हेलमेट होते हुए एंड साथ साथ लेवल 2 का बैकपैक यहाँ पर होते हैं. यूटिलिटीज एंड थ्रोएबल्स काफ़ी अच्छे अमाउंट में होते हुए इनके पास फिलहाल के लिए जो अभी ड्रॉप जो है अभी इनका यहाँ पर जो लूट करते हुए जरूर यहाँ पर अपनी लूट पूरी करेंगे. उसके बाद जो कहना कहीं जो है जोन का प्रेफरेंस जो है वहाँ पर दिया जाएगा. बट इस TRT के दानियाल वहाँ पर जो है फिलहाल के लिए एक
नॉक निकालते हुए ज़रूर हमको यहाँ दिखाई दे हैं। टीआरटी की टीम की तरफ अगर हम बात करें तो इनका जो ये फाइट चल रहा है, ये फाइट यहाँ पर सवर्नी की तरफ जो है यहाँ पर फाइट चलते हैं। दो स्क्वाड्स यहाँ पर जो है पूरी की पूरी आप देख सकते हैं कि मोहसिन ओपी है यहाँ पे आर सी के साथ साथ जो टीआरटी की स्क्वाड। टीआरटी की तरफ से आप देख सकते हैं कि 2v2 का स्प्लिट हमको यहाँ पर जरूर देखने को मिला। फिलहाल दमियान को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लगा जरूर है। इसी के साथ उनकी HP जो है यहाँ पर 20 HP हो गई थी, बट इसे यहाँ पर क्रेजी है वो काफ़ी ओपन में यहाँ पर पकड़े गए। इसी के साथ साथ उनको पनिश किया गया। एन ई सी के साथ आप देख सकते हैं कि टीआरटी ने अपने नाम एक किल जरूर कर दी यहाँ पे। स्कल की तरफ से जो है ये स्कारल से ये नॉक जरूर दिया गया था। एंड इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर FHE के जो ये एमल है यहाँ पर वो अभी फिलहाल के लिए अपने आपको हील करते हुए जरूर दिखा देंगे। वेस्ट की बात करें इनके पास लेवल 1 का वेस्ट काफ़ी डैमेज होता हुआ 20-30% अब डैमेज हो चुका है। लेवल 1 का वेस्ट जो है उसका आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो एक डैमेज पड़ता है जब 1v1 फाइट में तो काफ़ी हल्का पड़ जाए, बट यहाँ पर नो मर्सी के ऊपर जो है नेट फेंकने की कोशिश ज़रूर की गई थी बट वो कनेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दिया यहाँ पर फिलहाल के लिए। बट इसी के साथ साथ जो तीनों चीज़ों से कवर देने की कोशिश जरूर करेंगे। टीआरटी के मर्सी को ज़रूर अगेन वहाँ पर जो है स्पॉट करके 3x के थ्रू जो है स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, बट टीआरटी के मर्सी वहाँ पर अभी फिलहाल के लिए फॉल बैक करते हुए चार्ज से जो नीचे उतरते हुए ज़रूर दिखा देंगे। बट यहाँ पर के लिए फिलहाल की जो ये जो ड्रॉप क्लैश वाली जो ये फाइट जो है हमें कहने के यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी फिलहाल। बट यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सी टीम यहाँ पर जो है सरवाइव करके अपना जो है ये पार्ट कॉन्कर करने वाली है फिलहाल। बट इसी के साथ साथ इस फाइट को थोड़ा यहाँ पर ऑब्जर्व करते हुए बट टीआरटी की तरफ से अभी फिलहाल के लिए हमको कोई भी मूवमेंट जो है मुझे वो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप ये देख सकते हैं कि अगर टीआरटी के पास अगर एक नॉक होता तो वो इंस्टेंट जो है कहीं ना कहीं एक पुश दे देते हैं। यूजुअली जहाँ तक हमने इनकी फाइट्स ऑब्जर्व करी है, जितना भी इनको हमने देखा है यहाँ पर इस ऑल स्टार्स के जो स्क्रिम्स के मैचेस हैं यहाँ पे, बट फिलहाल के लिए जो है वहाँ पर कोई भी पुश नहीं आता हुआ यहाँ पर जो होल्ड किया जा रहा है दोनों टीम्स की तरफ से जो है काफ़ी होल्ड किया जा रहा है। मोहसिन ओपी वहाँ पर स्कल एंड टीआरटी के सेंस को काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखे हैं। यानी यहाँ पर जो है नोयान और जो यहाँ पर राउंड करोगे, बट यहाँ पर जो है नोयान को बहुत ही अच्छा जो है शॉट्स जो है कहने के बहुत ही अच्छे कनेक्ट किए गए थे। और पर आप देखे थे लेवल 1 का हेलमेट उनके पास होता है, 50% उनका वहाँ पर डैमेज जरूर दिया गया है। कहने के जो है एक नॉक हो सकते थे अगर एक और गोली सिर्फ एक और बुलेट वहाँ कनेक्ट होती तो मुश्किल ज़्यादा होती, बट वहाँ पर जो है कार्टेल की टीम वहाँ पर आ चुकी है। एक्शन मैन कार्टेल की टीम की जो है फाइट होते हैं वहाँ पर फिलहाल के लिए, तो हम जाने वाले हैं टुवर्ड्स जो ये कार्टेल की जो पूरी की पूरी टीम है उनकी तरफ हम जरूर जाएंगे यहाँ पर। इसी के साथ साथ कार्टेल के बनी ने वहाँ पर एक नॉक करके फिनिश जरूर निकलना पर M16 उनके हाथ में होते हैं अभी फिलहाल के लिए, बट एक नॉक के लिए उन्होंने ज़रूर निकाला था इस नॉर्थ सिटी में उनकी जो फाइट होती है। यहाँ पर मूसा जो है मेरे ख्याल से गाड़ी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने जो है बग्गी लेकर जो है आगे बढ़ने का फैसला ज़रूर किया है यहाँ पर। बट उनकी तरफ से अगर हम जोन की बात करें तो T20 की अगर हम बात करें जो स्क्वाड नंबर 24 यहाँ पर जो आया था, तो उनकी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 20 जो है फिनिश हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड यहाँ पर जो है बाजू मूसा एंड MM जो है फिलहाल के लिए यहाँ पर उनकी तरफ से जो है काफ़ी डिफरेंट एंगल्स से जो है गेम प्ले हमको दिखाई दे रहा है। मूसा यहाँ पर जो है स्क्वाड उसमें आके जो है उनका वहाँ पर एंगल होल्ड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। और इसी के साथ साथ जो बाकी के T20 के प्लेयर्स हैं वो जो है अभी भी वहाँ पर होल्ड करने की कोशिश ज़रूर है, बट यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो है ऑलरेडी आ चुके हैं इनकी तरफ से जो अगर प्लेयर मिसिंग है एक बापू और बापू यहाँ पर आ चुके हैं MM यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर AFK हैं। एंड काफ़ी अगर आप देखें तो किस्मत इनकी काफ़ी अच्छी होती है, आसपास कोई टीम्स जो है नहीं यहाँ पर। और अगर मैप में भी देखें तो मुझे लगता है कि इनकी तरफ से कोई गुजरने भी नहीं वाला है, तो इनका जो फ्री किल है एक कहीं ना कहीं किसी न किसी टीम को मे भी यहाँ पे मिल सकता है। बट इसके साथ साथ आप देखें यहाँ पर एक जो रोटेशन आ रही है वेस्टर्न साइड की तरफ से, वेस्टर्न साइड की जो रोटेशन है यहाँ पर ओइस का स्क्वाड यहाँ पर पुश करा, कार्टेल का स्क्वाड यहाँ पर होल्ड करते हुए T20 का स्क्वाड भी है एंड ऊपर जारकी से जो है पूरा GVM का स्क्वाड जो है ये पुश करता हुआ इधर से आ रहा, तो वेस्टर्न साइड की तरफ से ये जो क्लस्टर है थोड़ा हमको काफ़ी अच्छी एक फाइट जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जोन में जाते जाते जो कहीं ना कहीं जो फाइट होने वाली है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट जो हमको देखने को मिल सकती है, क्योंकि वेस्टर्न साइड का जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड का जो ये क्लस्टर एक क्लस्टर एक फॉर्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आगे की तरफ अगर आप देखो तो सेवर्नी और सेवर्नी के पास जो शूटिंग रेंज और इसके बीच का गैप है, और इस गैप के बीच में जो है 3 टीम्स यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं।
और आगे फाइव टीम्स का जो वो हो जाएगा। पर यहाँ पर जो जी एस घोष को डी डब्ल्यू की टीम यहाँ पर फिलहाल के लिए काफ़ी मुश्किलों में होते हैं, क्योंकि डी डब्ल्यू की टीम की तरफ से दो नॉक्स जो है उनको दे दिए गए हैं। सो लेट्स गो टूवर्ड्स डी डब्ल्यू की टीम की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या होता है। बट यहाँ पर जो एफ एच की स्क्वाड काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मोहसिन ओपी यहाँ पर जाते हुए टी एन टी के नोएडा से क्रेजी यहाँ पर जो जा चुके हैं। इसी के साथ साथ ये टीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब सिचुएशन यहाँ पर जो सबसे होने वाली वो हो रही है 1v4 की। अब टी एन टी के स्कल के ऊपर बहुत ही जरूर की गई थी, बराबर कल ने वहाँ पर अपने को सेव करने की कोशिश की थी। बापू वहाँ पर एक कार्टल किंग को नॉक करते टी आर टी के स्कल को वहाँ पर जो है एक नॉक जरूर किया एमल की तरफ से। बट यहाँ पर उनकी तरफ से पुश करने की कोशिश की, फिलहाल की तरफ से एमल यहाँ पर 1 HP में सर्वाइव करते हैं फिलहाल। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर जो पुश जो है उनकी तरफ से अब टी आर टी की तरफ से जरूर नहीं लगा। यहाँ पर इसी के साथ हम यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर एक स्क्वाड का जो एलिमिनेशन जो फर्स्ट स्क्वाड यहाँ पर एलिमिनेट होने का, ये यहाँ पर जो फर्स्ट स्क्वाड यहाँ पर जो एलिमिनेट हुई आई गेस ये एमल की पूरी पूरी स्क्वाड थी, जहाँ पर हमको देखने को मिला कि ये पूरी स्क्वाड जो है पूरी एलिमिनेट होती। बट इसी के साथ टी डब्ल्यू की स्क्वाड यहाँ पर एलिमिनेट हो रही है। T20 के बापू वहाँ पर अभी अगेन नॉक्स निकालते हुए जरूर निकालते, हम यहाँ पर जो फाइट करोगे हम जरूर वहाँ पर करेंगे जरूर। स्क्वाड नंबर 24 थे वो मेरे ख्याल से, एंड यस हम यहाँ पर स्क्वाड नंबर 24 की तरफ जाने वाले हैं। बाबू की तरफ से एक नॉक जरूर निकाला गया, बट यहाँ पर उनको जो है चूज ही उनके पास आएगा। यहाँ पर कार्टन की तरफ से जो अभी भी पुश होता हुआ कार्टन के ऊपर जो पुश करने की कोशिश की जा रही डैडी के ऊपर, यहाँ पर बापू जो है 1v1 सिचुएशन जो है हैंडल करने की कोशिश जरूर करेंगे। 1v2 सिचुएशन फिलहाल के लिए हो चुकी है कहीं ना कहीं। यहाँ पर जो है एक मौली जरूर देखिए मूसा वहाँ पर आते हुए सपोर्ट देने के लिए फिलहाल के लिए। यहाँ पर जो है मूसा की तरफ से जो है बहुत ही अच्छा एक पुश तो जरूर देखने को मिला था, बट वो कहीं ना कहीं जब बग्गी से उतरते उतरते डैमेज हो गया था। बट इसी के साथ T20 बापू ने वहाँ पर एलिमिनेट करते हुए ये स्क्वाड पूरा का पूरा है। पर T20 की स्क्वाड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके पास 3 किल्स 4 किल्स जो है ऑलरेडी हो चुके हैं। T20 की स्क्वाड की बात करते हैं 4 किल्स उनके हाथ होते हैं। 8 ब्लास्ट वहाँ पर एग्जीक्यूट की स्क्वाड के साथ फाइट करते जरूर दिखाते हैं। सो लेट्स गो टुवर्ड्स एग्जीक्यूट की फाइट। एग्जीक्यूट के जो रैन यहाँ पर नॉक जरूर हुए, 1 किल उन्होंने अपने नाम जरूर कर लिया यहाँ पर फिलहाल। बट यहाँ पे इसी के साथ साथ जो इनके सामने जो बंदे आए हैं वो है R3D के ब्लास्टर यहाँ पर जो है एक तरह से वन मैन आर्मी खेलते हैं, पुश करते हुए दिखाते हैं टोटली ओवर एग्जीक्यूट के साथ। थ्रो एबल्स का यूज़ जरूर किया जा रहा है यहाँ पे, UTDT जो उनकी तरफ से यूज़ की गई होगी अपने ऊपर। बट यहाँ पर जो इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि रोड पांडा वाइटी आते हुए R3D ब्लास्टर के ऊपर, रोड पांडा वाइटी का जो एक सपोर्ट आते हैं पीछे से। इसी के साथ जो एग्जीक्यूट की स्क्वाड के ऊपर जो है ये पुश दिया गया है 3v2 सिचुएशन यहाँ पर होते हैं। रोड पांडा वाइटी के ऊपर जो ये नेट फेंकने की कोशिश की थी, कनेक्शन जरूर यहाँ देखने को मिला, दोनों प्लेयर्स को काफ़ी डैमेज पड़ा है यहाँ पर। 30% जो HP उनके जरूर यहाँ पर दी गई। बट यहाँ पर जो इसके साथ आते हुए देखिए कि ड्रैनू और जो यहाँ पर दूसरे प्लेयर हैं यहाँ पे मुकद्दर हमको जरूर दिखा रहे हैं, मलिक के पीछे से कवर देने की कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पर। बट इसके साथ जो नेज का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर जो है हमको फिलहाल के लिए नहीं देखने को मिल रहा है। रोड पांडा वाइटी वहाँ पर जो है जरूर होल्ड करने की कोशिश जरूर की जा रही है और 8-3 पास। बट इसके साथ साथ जो है वहाँ पर स्पिन्स कदीर जो है वो एस कदीर वहाँ पर नेज का शिकार होते हैं। यहाँ पर जो है इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से कदीर यहाँ पर नॉक होकर फिनिश जरूर हो चुके हैं शकअप की तरफ से, वो नेट पिकअप किया 8-3 ब्लास्टर को वहाँ पर उन्होंने जरूर पिकअप किया। नेट कनेक्शन बहुत ही अच्छा होते हुए एंड इसी के साथ स्पिन्स की टीम काफ़ी मुश्किलों में होती हुई हमको दिखाई देखिए। हाजी यहाँ पर जो पिकअप करते हैं फिलहाल के लिए क्या पाएंगे, बट डब्ल्यूएस के बाबा को उन्होंने जरूर वहाँ पर पिकअप किया। बट PGSA UN क्यों क्या स्कोर आते हुए यहाँ पर स्पिन्स का जो है सैंडविच जरूर होता हुआ, स्पिन्स गेट्स एलिमिनेटेड। उसी के साथ साथ उनको जो है थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा यहाँ पर फिलहाल के लिए। हाजी की तरफ से 1 किल जरूर रहेगी अपनी टीम के लिए, बट इसी के साथ साथ यहाँ पर स्पिन्स की टीम जो है काफ़ी जल्दी जो है एक अर्ली एग्जिट लेते हुए जरूर दिखाई दी यहाँ पे। बट यहाँ पर वी विल गो बैक टूवर्ड्स दी फाइट जो है यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक जो फाइट जो है वहाँ पर हम जाने वाले हैं जो होने वाली थी यहाँ पर एग्जीक्यूट की जो फाइट थी वहाँ पर जाने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर जरूर 1 किल मिटा है यहाँ पर फिलहाल के लिए। ध्यान आगे बढ़ते हुए रोर के स्टोन की तरफ जो है आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं फिलहाल के लिए, गाड़ी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है। रोर के स्टोन को उन्होंने जरूर स्पॉट किया यहाँ पे कहने के, यहाँ पर जो रोर के स्टोन उन्होंने कवर जरूर लिया गाड़ी के सॉरी ट्रक के पीछे उन्होंने जो है कवर जरूर यहाँ पर रानू को जो है डैमेज जरूर दिया जा रहा है। इसके साथ रोड के सोने बहुत ही अच्छे टाइम पर रानू को स्पॉट किया गया, रानू को स्पॉट कर दिया पर उन्होंने नॉक जरूर किया है। रानू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में होते हुए क्या यहाँ पर पीछे से जो अभी एक्स की तरफ से जो है एक सपोर्ट जो है वो हमको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर देखने को मिला तो रोड के जो स्टोन है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रोड के स्टोन यहाँ पर 20 HP में 10 HP में सर्वाइव करते, रोड के स्टोन की तरफ से एक नेट जो फेंका गया था रानु को फिनिश करने के लिए, वो फिनिश जो है उनको जरूर मिलता हुआ एंड रोड के जो स्टोन है उनको 1 किल अपनी तरफ से जरूर मिलेगा यहाँ पर। बट इसी के साथ T20 के बापू जैसे मैंने बोलता हूँ उनकी T20 की जो स्क्वाड है यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखाई दे रही है, नॉक्स पे नॉक्स जो है जरूर उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। सो लेट्स गो टुवर्ड्स देम।
अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको देखें तो T20 की जो बापू है उनके पास ऑलरेडी जो है 4 kills हुआ अपने नाम उन्होंने ज़रूर की है। मूसा के पास 1 kill है, बट इसके साथ उनके पास जो एक कोलैटरल डैमेज जो है एक साइड्स के लेते हुए जो उनको मिला है वो है MM और बीस्ट का। इसके साथ आप देखिए बापू जो अभी भी पुश करते जा रहे हैं मूसा के साथ, मूसा के ऊपर जो है उन्होंने कहीं ना कहीं सपोर्ट देने की कोशिश ज़रूर की है। T20 की जो नो मर्सी है वो वहाँ पर मेरे ख्याल से नॉक हो रहे हैं, नो मर्सी को तो नॉक करके फिनिश जो है वहाँ पर बापू ज़रूर उठाएंगे। बट इसी के साथ मूसा को एक और किल मिलते हुए TRT की टीम की तरफ से एक लॉस ज़रूर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट इसी के साथ हम देखें यहाँ पर तो टीम ऑल स्टार्स की जो है 1948 के जो मीराज है TRT छोटू है नन और वॉट जो है अभी फिलहाल के लिए जोन का जो है प्रेफरेंस यहाँ पर देते हैं जरूर देख रहे हैं। फिनिशर यहाँ पर जो अपनी टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है एक हार्ड कवर पकड़ने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बट इसी के साथ GBM के जो मार्क हो रहे हैं उन्होंने वहाँ पर एक नॉक ज़रूर किया, सो लेट्स गो टुवर्ड्स GBM के मार्क। इसी के साथ दूसरा नॉक यहाँ पर देखें UNQ की टीम यहाँ पर एलिमिनेट होती हुई दिखा दी UNQ की टीम की तरफ से। यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से उन्होंने 1v3 कर दिया है UNQ की टीम के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। एंड यस यहाँ पर जो है UNQ की टीम जो यहाँ पर 3-man स्क्वाड यहाँ पर खेलती हुई जरूर दिखाई दे रही थी। इसी के साथ साथ UNQ की टीम जो है पूरी की पूरी यहाँ पर एलिमिनेट होती हुई बाई GBM मार्क और 1v3 उनकी तरफ से होते हुए यहाँ पर। बट इसी के साथ साथ हम यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर जो एक रोटेशन है और यहाँ पर जो एक जो जोन बनाएंगे आप देखिए जी, ये जो एक पूरा का पूरा जोन है ये अभी भी जोन जो मुझे लग रहा है कि यासना की तरफ जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट होता हुआ देख सकते हैं। या स्टॉलबर की तरफ यासना एंड स्टॉलबर के बीच का ये जोन है पूरा पूरा एंड यहाँ पर आप देखें तो OIS का स्क्वाड जो है T20 OIS का जो पूरा पूरा स्क्वाड है वो अभी स्टॉलबर की तरफ होल्ड करता हुआ जरूर। तो यहाँ पर इसी के साथ जो GBM की स्क्वाड है उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि नॉर्थ साइड उनके बिल्कुल ऊपर जो है उन्होंने जोन होल्ड करा। इसी के साथ साथ जो जोन का जो ये शिफ्ट है आपने देखा कि थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट रिलेटेड टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि अभी फिलहाल के लिए जो जोन के अंदर जो टीम्स हैं वो 3 teams होते हैं, T20 की टीम हो इसकी स्क्वाड होते हैं, इसके साथ GBM की टीम यहाँ पर अभी भी जोन के अंदर यहाँ पर जो होल्ड करती हुई दिखाई दे। बट इसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स की जो टीम है वो फिलहाल के मेरे ख्याल से एक कंपाउंड देने की कोशिश जरूर करेगी और इसके साथ वो पुश जरूर कर रहे हैं इन देयर कार कहीं ना कहीं जो आगे जाके जो है एक या तो कंपाउंड पकड़े या तो एक हार्ड कवर पकड़ने की कोशिश उनकी जरूरत, या एक हाइट पकड़ने की कोशिश उनकी जरूरत रहेगी। एग्जीक्यूट की तरफ से अगर हम देखें तो मुकद्दर अभी भी फिलहाल के लिए पुश करते हुए जा रहे हैं आगे, बट क्या मुकद्दर वहाँ पर कोई एक अच्छा स्पॉट ढूंढने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। और यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए ऊपर से जो है स्प्रेज आते हुए उनको ज़रूर दिखाई दे गए होंगे। इसके साथ मुकद्दर की तरफ से कॉल ज़रूर आ गई होगी यहाँ पर बंदे तो यहाँ पर होल्ड ना करें फिलहाल के लिए। बट इसके साथ मुकद्दर आगे बढ़ते हुए कहने के मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्पॉट होल्ड करने की उनकी कोशिश जो है ज़रूर रहेगी। यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं कि कोई भी स्क्वाड जो है आसपास नहीं होकर देते हुए एंड मुकद्दर यहाँ पर जो है अपनी टीम को लीड करते हैं, एक हाइट एडवांटेज लाने की कोशिश जरूर करें। बट यहाँ पर DW की जो दूसरी लाइनअप है वो यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से दिखा देते हैं। DW के जो लोरा वाइटी है वो अभी फिलहाल के लिए 1 kill उन्होंने जरूर निकाला। DW के बाजवा के चचे जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं बाजवा के चचे यहाँ पर उन्होंने ज़रूर यहाँ पे 1 kill अपने नाम जरूर किया। बट यहाँ पर TAS के जो इनसेन MVP हैं उन्होंने यहाँ पर एक नॉक निकाला जरूर है। बट यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर इस फाइट को देखो तो हम DW की स्क्वाड जो है यहाँ पर आउट ऑफ जोन जो एक फाइट देते हुए दिखाई दे रही है, कहने की जो है अगर हेल्थ किट्स जो है यहाँ पर कहने कहीं अगर उनकी थोड़ी कम हुई तो उनके लिए मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा होगी क्योंकि जोन का डैमेज अभी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे आप देखते हैं आउटसाइड प्लेस जोन यहाँ पर ZR के जो कॉल है वो ज़रूर यहाँ पर जो है आउटसाइड प्लेस जोन नॉक होते हुए ज़रूर दिखाई दिए। बट इसके साथ अगर आप लूट की बात करें इनके पास लूट भी ज़्यादा नहीं होते हुए कहीं ना कहीं जो अभी भी स्कूल में ही थे मेरे ख्याल से AFK हो गए थे इन द मिडल ऑफ द मैच। बट इसी के साथ साथ हम देखें तो यहाँ पर ZR की दूसरी जो टीम मेम्बर्स ईथन एंड कामी वो अभी भी फिलहाल के लिए जोन के अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। कामी की अगर हम बात करें तो 1 kill जो है उनके पास हो चुके हैं, एक ही डासिया में दोनों के दोनों जो है सवार होते हुए निकल चुके हैं टुवर्ड्स द जोन, एक अच्छा पॉइंट होल्ड करने की कोशिश जरूर है कि फिलहाल के आउटसाइड जोन जो है उनकी फाइट ज़रूर होते हैं। बट लेट्स गो टुवर्ड्स OIS की स्क्वाड की तरफ आती है वो यहाँ पर नॉक जरूर होते हैं। बट इसी के साथ सेक्सी बॉय की तरफ भी जो काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नॉक करने के लिए, बट सेक्सी बॉय यहाँ पर कहीं ना कहीं से सर्वाइव कर चुके हैं इस अपॉर्चुनिटी को ना अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की जरूर है कि बनाओ सकते हैं। ZR के कार्ड जो यहाँ पर फिनिश किए गए उसे चटो भी नंबर TAS के यहाँ पर स्पॉट करके जो है फिनिश किया गया है एंड टीम ऑल स्टार्स फिलहाल के लिए थोड़ी सी मुश्किलों में ज़रूर आते हुए यहाँ पर दिखाई देगी। अगर हम टीम
ऑल स्टार्स की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए वहाँ पर इनसेन एमवीपी की तरफ से T20 को हमारे शॉर्ट करने की कोशिश जरूर की थी, बट यहाँ पर एक CSK ट्राई आउट ने जो है यहाँ पे जरूर यहाँ पर पुश करके जो कहने के यहाँ पर नॉक्स जरूर निकाले, बट इसी के साथ साथ जो एक लाइनअप जो उनकी मेन है टीम ऑल स्टार्स की वो हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने नाम जो है 3 किल जरूर करे, बट इसी के साथ साथ टीम नंबर 21 जो है वो अभी फिलहाल के लिए टीम नंबर 11 का वेट करते हुए यहाँ पर, और अगर हम टीम नंबर 21 की अगर हम बात करें देखें तो उनकी एक किल्स जो है काफी अच्छे यहाँ पर उन्होंने जरूर उठाए, बट इसी के साथ GBM की स्क्वाड के साथ एक्स की स्क्वाड के साथ जो है एक फाइट होते हुए जरूर दिखाई देंगे, एक्स के मलिक यहाँ पर सर्वाइव जरूर कर गए हैं, एग्जीक्यूट एक्स के जो मुकद्दर है वो अभी पीछे से देने की कोशिश है, फोर्थ प्लेयर जो है इनका वो कहीं ना कहीं जो है अभी नॉक पड़ा है, बट ऑन दी अदर साइड अगर हम GBM की प्लेयर्स की तरफ अगर हम देखें तो उनकी तरफ से जो काफ़ी नॉक्स जो यहाँ पर हमको देखने को मिले थे, GBM के जो यहाँ पे स्लेयर है वो आगे बढ़ने की कोशिश उन्होंने जरूर की थी, कहने के उन्होंने फायर निकालने की कोशिश जरूर कोशिश की थी, बट एक्स की आगे बढ़ने यहाँ पर GBM मार्कोर की तरफ से जो स्पॉटलर को मारने की कोशिश जरूर की थी, बट मार्कोर वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाई कहीं ना कहीं, अभी भी हो जो GBM के टू प्लेयर्स जो हैं फिलहाल के लिए अभी भी वो वहाँ पर नॉक आउट पड़े हुए हैं, बट क्या उनको रिवाइव मिलेगा, क्या वहाँ पर एक्स के प्लेयर्स जो उनको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वहाँ पर GBM के दो प्लेयर्स को जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने प्लेयर्स को उठाए थे, बट GBM के मार्कोर को वहाँ पर जो है जरूर स्पॉट किया एग्जीक्यूट के मुकद्दर की तरफ से, बट यहाँ पर जो है यहाँ पर TV2 की सिचुएशन जरूर चाहिए, CS के ऊपर यहाँ पर आ चुके नेट फेंकने की कोशिश यहाँ पर जरूर की गई, इसी के साथ हिट भी GBM भी हिटमैन जा चुके जो जो क्रोपी इज द ओनली वन सर्वाइविंग प्लेयर आज शूट नहीं कर रहे हैं, कहने के ये मुझे समझ नहीं आ रहा है एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर जोकर ओपी के पास की वहाँ पर वो उनको एलिमिनेट कर सकते थे, बट फिलहाल के लिए वो अपॉर्चुनिटी जरूर मुश्किल बैठ रही थी, ज्यादा स्क्वाड नंबर 14 पीछे साथ हुए एग्जीक्यूट स्क्वाड के ऊपर WT के बाबा वहाँ पर आज में बढ़ते हैं, WT के बाबा भी यहाँ पर नॉक होते बार भी यहाँ पर नॉक होकर फिनिश हो चुकी है, मलिक की तरफ से बहुत ही अच्छा कवर आते हुए वहाँ पर आपने देखा था कि मुकद्दर ने बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट दिया था पीछे, बट ज्यादा पीछे से TS के ट्राई आउट एक्शन यहाँ पर इसके अंदर देखिए शैम्पूर और जो है अभी भी फिलहाल के लिए सर्वाइव करते हुए जरूर दिखाते रहे, S2 के जो गेम प्योन है वो अभी भी आ चुके हैं वहाँ पर फिलहाल के लिए, जो इनकी जो सिचुएशन है यहाँ पर टीम नंबर 14 ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है एग्जीक्यूट की स्क्वाड के ऊपर जो है पुश करने की कोशिश जरूर की थी, एक ना कहीं थर्ड पार्टी करने की कोशिश की थी, बट वो इनडीड सैंडविच सिचुएशन में फंसते हुए इसी के साथ साथ जो वो वहाँ पर जो आ चुके, बट इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखें तो DW की स्क्वाड की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खुसरी YT है उन्होंने वहाँ पर जरूर एक नॉक निकला, बट एक्स के जो मलिक है वहाँ पर जो एक्स के जो मलिक हैं वो वहाँ पर व्हीकल ब्लास्ट से जो है कहना कहीं थोड़ा सा जो है उनको डैमेज जरूर आते हुए इसी के साथ साथ कुछ भी YT जो है वहाँ पर जंप करके जो मारने की कोशिश जरूर की थी उनकी तरफ से, वो इसके जो TDM पेन जो है TDM पेन जरूर किया जा रहा फ्री फायर का यूज़ करते 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 यहाँ पर जो है इसके बाद TDM पेन जो है यहाँ पर हो चुके हैं फिलहाल के लिए, अगर हम देखें तो एक स्प्रेस का कनेक्शन पीछे से अपने आपको जो है कवर देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो इसके घोष के वहाँ पर थोड़ा सा डैमेज जरूर देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने की डैमेज देने की कोशिश, एंड वहाँ पर जो उनका जो कवर जो है वो कवर वो नहीं बनाते हुए अपनी जो एक फायर के थ्रू अपना कवर बनाने की कोशिश उन्होंने जरूर की थी कहना कि बट वो उसमें सक्सेसफुल सेव करने की कोशिश शुरू कर रहे हैं, स्नीक पेन जो है मेरे ख्याल से OS के जो है वो पीछे की तरफ आ चुके हैं, बट इसी के साथ साथ GW के खुसरी YT ने जो है OS के TDM पेन को वहाँ पर जो है सॉर्ट आउट कर लिया, TDA 20 फिलहाल के लिए जो सर्वाइव करते हुए इसी के साथ साथ जो है किल्स उठा रहे हैं भाई, अगर आप देखते हैं T20 के बाद 7 किल्स जो उन्होंने अपने नाम करे हैं, मूसा ने 2 किल्स करे हैं, 9 किल्स जो है इनके पास ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, और अगर हम जोन की बात करें एंड ऑफ द जोन जहाँ पर भी सर्वे करते हैं अननोन और वॉच की तरफ से जो थोड़ा नेट से जरूर यहाँ पर नॉक किया गया, बट यहाँ पर फिलहाल के लिए ये जो फाइट है ये बहुत ही अच्छी फाइट हमको दिखाई दे रही है T20 के बापू की तरफ से, एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमको देख रहे हैं, बट यहाँ पर इसी के साथ साथ TMG के जो स्क्वाड है वो आ चुके हैं, बट यहाँ पर नेट पे का क्या है नेट यहाँ पर क्या कनेक्ट कर पाएगा, यहाँ पर जो है वादी को जरूर यहाँ पर स्पॉट किया गया, साइको वहाँ पर बहुत ही दूर होते हैं, क्या साइको यहाँ पर जो है अपने आप को बचा पाएंगे साइको की तरफ से, बट इसी के साथ बट यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फिलहाल के लिए T20 के बाबू के ऊपर एक बहुत ही अच्छा अपर हैंड होते हैं, यहाँ पर जो है शायद YT अभी भी फिलहाल के लिए सर्वाइव करने की कोशिश जरूर करें, बट शायद YT के ऊपर जो यहाँ पर मेरे ख्याल से T20 के बाबू पर उन्होंने मारने की कोशिश की, और इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से यहाँ पर उन्होंने ले लिया है पूरा का पूरा स्क्वाड, और यहाँ पर जो है
का जो स्क्वाड है यहाँ पर जिन्होंने पुश किया था, वहाँ पर T20 के बापू ने क्या ही परफॉर्मेंस दिखाई है और उन्होंने वहाँ पर जो है एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने नाम करते हैं। बूसा को रिवाइव देने की कोशिश यहाँ पर जरूर की गई थी, बट बापू के पास देखो 11 सोलो किल्स यहाँ पर उनकी तरफ से बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस को देखने। स्मोक किया गया, स्मोक के अंदर अपने को हील करने की कोशिश है। बुराक जालिम वहाँ पर जो है टीम ऑल स्टार्स की तरफ से जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइट ले ली जा रही है वहाँ पर बुराक की तरफ से, पर बुराक की टीम की तरफ से मजनू आईटी यहाँ पर आ चुके हैं। टी ट्वेंटी जीरो फाइट है इसके साथ से TOP1 के भी जो है 1-1 किल्स उन्होंने अपने नाम जरूर करे हैं, पर वॉर ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम T20 के बाबू की तरफ से 11 किल्स उन्होंने अपने नाम किए। यहाँ पर अभी जो है फिलहाल हमने देखी 1v4 उनकी तरफ से देखने वाले, एक बहुत ही अच्छा 1v4 उन्होंने किया वहाँ पर, बट कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर मुझे ऐसा लगा TMG की स्क्वाड की तरफ से थोड़ा सा चोक जो है उनकी तरफ से जरूर देखने को मिला, बट इसी के साथ साथ मजनू आईटी फिलहाल के लिए पीछे जाते हुए मेरे ख्याल से अपनी एक व्हीकल जो है वो उठाई जाएगी यहाँ पर। एंड इसी के साथ साथ उनका जो एक पुश है वो हमको जरूर देखने को मिलेगा। T20 के बापू पेन अपना काम जो है कर चुके हैं, अपनी टीम के लिए पॉइंट्स दिला चुके हैं, अपनी टीम के लिए काफ़ी अच्छी किल्स उठा चुके हैं। फिलहाल के लिए जोल के बाहर जो है हमको जरूर दिखाई देंगे, बट इसी तरह TES के जो इनसेन MVP टीम ऑल स्टार्स के जो इनसेन MVP हम उनकी तरफ जाने वाले हैं। एंड इनसेन MVP अब नॉक होकर फिनिश हो गया। TS के जो ट्राई आउट्स उन्होंने यहाँ पर 3 फिनिशेस जरूर निकाले अपने, इनसेन MVP ने यहाँ पर 3 फिनिशेस जरूर निकाले। इसी के साथ साथ जो द बेबी उन्होंने 1 किल निकाला। एंड TRT की टीम की बात करें यहाँ पे तो उनके पास 7 किल्स जो है अपने हाथ उन्होंने जरूर लगाए यहाँ पर, बट यहाँ पर जो है अब सिचुएशन एक क्लोज रेंज फाइट की होते हुए यहाँ पर टीम ऑल स्टार्स वर्सेस शैम्पू रोरा वहाँ पर जरूर बैठे हुए। यहाँ पर शैम्पू रोरा को जो नॉक जरूर किया गया विद दैट नेड और फिनिश जरूर किया, बट यहाँ पर फिलहाल के लिए जो स्क्वाड की जो फाइट हो रही है टीम ऑल स्टार्स वर्सेस MKN वर्सेस जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोर के जो स्टोन हैं वो स्टोन के पास लेटे हुए हैं फिलहाल के लिए, एज ऑफ द जोन है, जोन इनके पास है तो कोई मुश्किलें नहीं होते हुए। टीम्स की बात करें तो यहाँ पर 6 टीम्स अभी सर्वाइव करते हुए 16 प्लेयर्स इन गेम। गाइस क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो चिकन डिनर जो है वो यहाँ पर कौन लेके जाना है? क्या अगर यहाँ पर T20 के बापू की तरफ से अगर यहाँ पर एक चिकन डिनर ले जा दी गया तो गाइस क्या ही उनकी तरफ से एक परफॉर्मेंस, क्या ही उनकी तरफ से एक यादगार मैच जो है वो हमको ज़रूर देखने को। बट यहाँ पर MK के फर्जू आ गया थे, फर्जू कहते हैं कि मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर रोड के स्टोन को उन्होंने यहाँ पर स्पॉट किया तो यहाँ पर इनके लिए जो रोड के स्टोन उनके लिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं जो है एक सर्वाइवल की जो उम्मीद है उसकी वो यहाँ पर ज़रूर ख़त्म होते हुए दिखाई देगी। बट इसी के साथ MK के फर्जू जो है अभी आगे बढ़ते हुए TAS टीम ऑल स्टार्स की जो एक स्क्वाड है उनके ऊपर पुश करने की कोशिश शुरू की। TOS के जो स्नेक पेयर हैं वो अभी फिलहाल के लिए जोन के काफ़ी एज में होते हैं, 27 मीटर्स ही स्टिल हैव टू मेक इट इन ऑर्डर टू गो टू द जोन। एंड यहाँ पर इसी के साथ स्नेक पेयर जो है अभी फिलहाल के लिए जो है कोई मूवमेंट नहीं देते हुए, कोई फायर नहीं देते, एक ट्रिकल कंट्रोल जो है उनकी तरफ से वो ज़रूर देखा जा रहा है। बट यहाँ पर इसी के साथ साथ जो है टीम्स जो है अभी जो 4-man स्क्वाड यहाँ पर वो है एक MK का, एक बुराक का स्क्वाड होते हुए, यानी इसके साथ DW का जो सेकंड लाइनअप है वो अभी भी यहाँ पर सर्वाइव करते हुए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर जो ये स्क्वाड्स हैं ये जो है अपनी तरफ से क्या ही एक मेटा दिखाएगी, इनके तरफ से क्या मेटा में चेंज आएगा आगे बढ़ के आप निकालते हैं। बट DW के गांडू आईटी ने आप बुराक जालिम को जरूर आप रखा, इसके साथ साथ D2S ZF IT को उन्होंने एक ही स्प्रे में लेते हुए 2 प्लेयर्स जो है यहाँ पर जो बुराक की जरूर डाउन हो चुके हैं। बट इसके साथ रीजो जो है वो थोड़े से यहाँ पर डैमेज जरूर है, एंड रीजो जो है अपने आपको हील करने की कोशिश स्मोक जरूर कर दिए गए हैं, कहने के लिए D2S ZF IT बुराक जालिम को उठाने की कोशिश जरूर की जाएगी। बट इसी के साथ साथ जो है वो सक्सेसफुल जो है यस वहाँ पर जो है अपने प्लेयर्स को उठाने में जरूर रहेंगे। पीछे से जो है MK की स्क्वाड जो कहने के लिए जो है एक मानने की कोशिश जरूर की जाएगी। बट यहाँ पर इसी के साथ जो है TOS स्टार्स के ट्राई आउट जो है आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आ चुके हैं, क्या यहाँ पर TOS स्टार्स के बंदे वहाँ पर जो है कहने की मुश्किलें उनके लिए जरूर हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि पीछे से MK का स्क्वाड जो है यहाँ पर आ चुका है। ट्राई आउट यहाँ पर थोड़े बन में सिचुएशन लेने की शुरू की कोशिश उन्होंने जरूर की थी, बट यहाँ पर ट्राई आउट जो है यहाँ पर फिलहाल के लिए नॉक हो जाए, बुराक डाल दी वहाँ पर काफी नॉक हो जाए। बट इसमें रोड से आगे बढ़ते हैं, DW की स्क्वाड आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर जो है जो 4-man स्क्वाड जो 4v4 फाइट है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है MK की स्क्वाड की तरफ से, DW की स्क्वाड की तरफ से, एंड बुराक की स्क्वाड की तरफ से। अभी भी यहाँ पर जो 13 प्लेयर जो यहाँ पर फिलहाल के लिए सर्वाइव करते हुए जरूर दिखाते रहे हैं, रोड के स्टोन को जरूर आपको काफ़ी किया गया 4v4 यहाँ पर सिचुएशन। बट यहाँ पर वो इसके स्नीक पेन अभी पीछे से यहाँ पर स्नीक पेन कहने के किसी ने एक टीम को जो बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो ज़रूर दे सकते हैं यहाँ पे। बट इसी के साथ MK के नॉट ओके जो है वहाँ पर नॉट हो चुके हैं, और यहाँ पर हम टीम की बात करते हैं फिलहाल के लिए फर्जू एंड वो अभी भी सर्वाइव करते हैं। बट यहाँ पर वो इसके स्नीक पेन को यहाँ पर जरूर स्पॉट किया गया, उसके साथ उनको टेकआउट नहीं किया। अब जो सिचुएशन है यहाँ पर हो चुकी है मेरे ख्याल से 4v4v4 की सिचुएशन है यहाँ पर, एंड जैसे यहाँ पर MK की स्क्वाड के पास फिलहाल के लिए अभी भी कोई भी किल नहीं होते हुए, मतलब इनके पास जो एक कंपेरेबली जो किल्स है जो दूसरी टीम के साथ वो उनका कंपेरिजन नहीं कर सकते, इनके पास नॉट होके बस सिर्फ एक ही किल है। बट इसके साथ बुराक की टीम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके पास अच्छे खासे जो है 8 किल्स इनके पास होते हैं। DW की टीम की बात अगर हम करें तो यहाँ पर
इनके पास भी 7 किल्स होते थे। तो यहाँ पर गाइस अभी जो यहाँ पर 4v4 का जो ये सिचुएशन है, यहाँ पर जो है कौन सी टीम जो है यहाँ पर सर्वाइव करती है और कौन सी टीम यहाँ पर जो है आगे बढ़ने की कोशिश जरूर की जाएगी। बट यहाँ पर अगर हम फिलहाल अगर हम स्क्वाड की तरफ से जो अगेन यहाँ पर जो है फर्जू को जो है नॉक कर दिया गया है, एमके की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर एमके नॉट ओके हैं, एंड डब्ल्यू डेटा से भी सर्वाइव करते हुए डी डब्ल्यू का स्क्वाड पीछे से आते हुए यहाँ पर जो है नेड आया गया, नेड कनेक्शन कर पाएगा कि नहीं, यहाँ पर नेड जो है वो कनेक्शन नहीं कर पाएगा। डी डब्ल्यू के गांडू वाइट ये भी फिलहाल के लिए फॉल बैक करते हुए रिच का एक सपोर्ट लेते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ये जो गेम जो है पूरी पूरी रिच की बनती हुई फिलहाल के लिए स्टोन्स और हिल्स का जो एक बहुत ही अच्छा यूज़ यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। एमके की स्क्वाड की तरफ अगर देखें तो एमके की स्क्वाड की तरफ जो एक 4 मैन स्क्वाड था वो 3 मैन स्क्वाड की तरफ जाते हुए यहाँ पर जो नेड्स फेंके जा रहे हैं, कहने का यूटिलिटी का जो एक थ्रोएबल्स का जो यूज़ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। बट क्या यहाँ पर एमके की स्क्वाड सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि अगर आप देखें तो उनको जो है उनका सर्वाइव जो है उनको बहुत ही अच्छा मिलता है। एमके के जो टीओजी खान है वो वहाँ पर आउटसाइड प्ले जोन का शिकार होते हैं और इसके साथ साथ वो वहाँ पर कहने का एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे। बट एमके के ऊपर नॉट ओके के ऊपर अगेन वो नेड आता हुआ, बट वो जो नेड जो है कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वो जो करें नहीं। बट इसके साथ देखते हैं बुराक के जो मजनू है, बुराक के मजनू वहाँ पर एक थोड़ा सा फ्लैंक देने की कोशिश जरूर की, खुसरी वाइटी ने मेरे ख्याल से वहाँ पर जो है बुराक के मजनू को जरूर वहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश की हुई। बट क्या खुसरी वाइटी वहाँ पर जो जोन के पीछे बुराक मजनू को जो है एलिमिनेट करने में, वहाँ पर इसी के साथ साथ जो हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा स्प्रे जरूर आता है बुराक के मजनू की जो हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 HP में सर्वाइव करते हुए बैंडेज वहाँ पर इसी के साथ साथ जो थ्रोएबल्स आए जा रहे हैं, तीन थ्रोएबल्स फेंके गए एंड वहाँ इसी के साथ साथ मेरे ख्याल से बुराक के जो मजदूर है वो वहाँ पर नॉक हो चुके हैं। नॉक होने के साथ साथ जो वहाँ पर नहीं वहाँ पर जो है नॉक जो है वो नहीं हुए सर्वाइव किसी भी हालत में करें। बड़ा डी डब्ल्यू के जो बाजवा के चटे हैं वो वहाँ पर जो है शॉर्ट हो चुके हैं फिलहाल के लिए, इसी के साथ वो यहाँ पर नॉक होते हैं। बुराक के जालिम ने ईट डब्ल्यू डस्ट वहाँ पर जालिम को नॉक जरूर किया, नॉक जालिम को नॉक करके जरूर यहाँ पर वाइटी की तरफ से यहाँ पर जो टी के बीच वन सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश फिलहाल के लिए की जा रही है। बट क्या खुसरी वाइटी की अगर हम वेस्ट करते हैं काफ़ी डैमेज उनकी वेस्ट हो चुकी है, इसी के साथ साथ जो है सिचुएशन क्या यहाँ पर खुसरी वाइटी संभालने क्या अपनी टीम को संभालने में वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं ये हमको देखना है। गांडू वाइटी की तरफ अगर हम देखें तो वो अभी भी फिलहाल के लिए छोटे जरूर हो चुके हैं, वहाँ पर जो है मॉली पे मॉली के साथ साथ डैमेज जरूर दे रहा है खुसरी वाइटी को। बट यार खुसरी वाइटी सर्वाइव कराया उन्होंने डीडीओ के वाइटी ने यहाँ पर एमके के नॉट ओके, बट इसके साथ साथ यहाँ पर डीडब्ल्यू की टीम जो एक स्ट्रॉन्ग टीम मुझे लग रही है वो यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है फिलहाल के लिए जरूर दिखाई दे रही है। बट इसके साथ डीडीओ के सिर्फ फाइटर पर सर्वाइव करते हैं, ईडब्ल्यू के डस्क वहां पर रह गए हैं फिलहाल के। अगर आप देखें तो 2 टीम्स अभी भी सर्वाइव करते हुए, 3 नंबर 15 की बात करें तो बुराक के मजनू एंड डी टू एच सिर्फ फाइटी वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। 13 की अगर हम बात करें तो यहां पर ईडब्ल्यू के डस्क जो है वो रह गए हैं और सो यहां पर सिचुएशन जो है अब रह गई है स्क्वाड नंबर 15 वर्सेस स्क्वाड नंबर 13 और वो है डस्क। डस्क डस्क उन्होंने स्पॉट जरूर किया बट यहाँ पर डॉस जो यहाँ पर एलिमिनेट होते हैं अपनी टीम के लिए, काफ़ी अच्छे किल्स उठाते हैं, काफ़ी अच्छे जो उन्होंने यहाँ पर एक ट्रिगर एक्शन नहीं दिखाया अपनी तरफ से और इसी के साथ साथ हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी टीम को फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस जरूर लेके, बट यहाँ पर जो विनर बना चाहिए अगर विनर ले गए वो है बुराक की टीम। अगर हम बुराक की टीम की अगर हम बात करें तो 12 किल्स के अंदर उन तरफ हमको यहाँ जरूर देखने को मिले हैं। एमके की स्क्वाड की बात अगर हम यहाँ पर करें तो एमके की स्क्वाड यहाँ पर फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देखें कि एमके की स्क्वाड यहाँ पे ले जा चुके हैं 3 किल्स के साथ सेकंड की पोजीशन में। थर्ड पोजीशन पर डीडब्ल्यू की स्क्वाड आते हुए यहाँ पे विद 9 किल्स, फोर्थ पोजीशन में वही इसकी यहाँ पर स्क्वाड आते हुए 0 किल्स, फिफ्थ पोजीशन में पांडावाइटी की स्क्वाड आते हुए विद 1-2 किल्स एंड 6th पोजीशन अगर आप देखें तो टीम ऑल स्टार्स यहाँ पर आते हैं ट्राइड की तरफ से 4 किल्स एंड 8 किल्स टोटल यहाँ पर उन्होंने जरूर उठाए। T20 की अगर हम स्क्वाड की बात करें तो भाई T20 के बाबू ने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दिखाई है 11 solo kills अपनी टीम के लिए ले जाते हुए, इसके साथ साथ मूसा ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट उनको जरूर दिया होगा, 2 किल्स उनकी तरफ यहाँ पर हो गए हैं, 13 पॉइंट्स अपनी तरफ लेके गए हैं यहाँ पर, 13 किल्स उनके पास यहाँ पर हो चुके हैं किल पॉइंट्स के साथ साथ। पर इसके साथ एक पोजीशन में हम देखते हैं यहाँ पर D3W बाबा की जो वो W3 बाबा की जिस टीम में यहाँ पर 1 किल जो है जिन की तरफ से हो लेगा क्या एग्जीक्यूट की स्कॉड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर देख लें 8 किल उनके पास हो गए। 10th पोजीशन में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे RGES आइकॉनिक जो है यहाँ पे हमको UNC के प्लेयर और इसके बलू के साथ सबूत खेलते हैं, 4 किल उनके सबूत है PMG की स्क्वाड की तरफ से अगर हम यहाँ पर देखें तो 3 किल उनके पास यहाँ पर है 11th पोजीशन पर आए हैं। 12th पोजीशन अगर हम देख रहे हैं PRT की टीम आते हैं यहाँ पे विद 0 किल्स, 13th पोजीशन में देखें तो ZR की टीम आते हैं यहाँ पे विद 2 किल्स एंड 14th पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 किल्स फ्रॉम DVM मार्क 4 जो उन्होंने एक अमेरिका से बनने की किया था हमारी UNQ की टीम के ऊपर। 16th में अगर हम देखें 15th में देखें तो OES की यहाँ पर स्क्वाड आते हुए विद T20 OS जॉर्ज की तरफ से 0 किल्स की
16 में टी आर टी की स्क्वाड आते हुए, 4+17 में यू आई टी की स्क्वाड आते हुए, 3+18 में अगर हम देखें तो यहाँ पे ओ एस का स्क्वाड आते हुए कबीर, गुलफाम, स्पिन्स, कमरान एंड ओ एस हाजी खबर आते हैं, वर्ल्ड फ्रॉम हाजी एंड इसी के साथ साथ 19 पोजीशन में जो हम देख सकते हैं कार्टल की टीम आती है यहाँ पर 1 किल एंड 28 पे जो हम देख सकते हैं मॉसिन ओ टी एंड रॉयल की टीम आती है 0 किल्स एंड इसी के साथ जो जी डब्ल्यू की जो मेन लाइन आती है यहाँ पर वो फर्स्ट वन टू गेट एलिमिनेटेड मेरे ख्याल से यहाँ पर इसी के साथ 0 किल्स के साथ 21 पोजीशन में यहाँ पर आते हुए जी डब्ल्यू की स्क्वाड एंड स्टार ऑफ द मैच की अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स एम बी पी यहाँ पर टी ट्वेंटी के बापू जो है वो बनने वाले हैं 11 डिफीट के साथ 1 बोनस उनकी तरफ जरूर देखने को मिला। डैमेज की बात करें तो 978 का डैमेज उन्होंने जरूर उठाया। बेस्ट कंपेनियन 4 रेस्क्यूज देखने को मिले, 2 असिस्ट के साथ डी डब्ल्यू के लोरा वाइटी एंड टी ओ टी 1 रीजो यहाँ पर फिनिशर आते हुए एज डिफीट के नाम में अगर हम देखें तो 4 डिफीट एंड 1 असिस्ट। इसी के साथ साथ गाइस जो हमारा फर्स्ट मैच जो था यहाँ पर इरांगल का वो यहाँ पर जो है ज़रूर फिनिश जो है वो यहाँ पर हो चुका है। एंड इसी के साथ साथ जो है गाइस हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट मैच यहाँ पर ख़त्म होते हुए एंड टी ट्वेंटी के जो बापू उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमको यहाँ पर देखने के लिए। सो गाइस वी बी राइट बैक विद इन शॉर्ट ब्रेक एक ले रहे हैं। सेकंड मैच जो है जो फाइनल मैच है आज का वो इराया वो मीरामार का उसके साथ हम आएंगे एंड वील बी राइट बैक सून। कहीं जाएगा नहीं, अगर आप गाइस स्ट्रीम पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और साथ साथ लाइक बटन भी दबा दो गाइस, कुछ नहीं जाता, लाइक बटन दबा दो। वील बी राइट बैक सून, डोंट गो एनीवेयर गाइस।
Thank you.
So hello guys and welcome back to the stream. कैसे हैं आप सब लोग guys? और इसी के साथ साथ जो है हम आ चुके हैं with the last and the final match आज का जो होने वाला है मीरामार का. एंड इसी के साथ साथ फटाफट हम नज़र मारने जरा स्क्वाड्स के ऊपर. यहाँ पर फेरी जो है नंबर स्क्वाड में अकेले हैं. DW की स्क्वाड सेम एज यूजुअल. TMG की स्क्वाड 19 के फलू है. NIM आ चुके हैं 3-1 स्क्वाड के साथ. बाकी सारी स्क्रीन चार रोज रोड की तरफ अगर हम देखें तो पी के स्कॉर्पियन यहाँ पर जरूर जॉइन किया है. रेक्स यहाँ पर आ चुका है. IV का ड्रैगन 69 यहाँ पर आ चुके हैं. बट इसी के साथ साथ अगर हम चलें टूवर्ड्स TS की स्क्वाड की तरफ वो सेम होते हुए कार्डल की सेम होते हुए MK की स्क्वाड सेम होते हुए यहाँ पर गेम पी जो 3-1 स्क्वाड जो पूरा किस टीम यहाँ पर 3-1 स्क्वाड जो DW की स्क्रीन सेम होती हुई है. एंड यहाँ पर OS की स्क्वाड सेम जो ZR की स्क्वाड यहाँ पर सेम होती हुई. इसके साथ T20 OS की तरफ से जो एक जरूर देखा जा रहा है. CS के जोकर भी यहाँ पर जरूर आए. यहाँ पर GBM की स्क्वाड की तरफ से यहाँ पर इसके फरी भी हम लोगों ने ज्वाइन किया. TRT की स्क्वाड सेम होती हुई. D20 मूसा बापू एन 20 यहाँ पर आ चुके. बापू की तरफ से एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमने जरूर देखी थी फ्रॉम द लास्ट मैच. 25th नंबर पर अगर हम देखें तो टीम ऑफ स्टार्स सेम स्क्वाड आती हुई इनका जो एक लाइनअप है. एंड इसी के साथ साथ हम चलने वाले हैं टुवर्ड्स द प्लेन पाथ. और अगर हम प्लेन पाथ की बात करते हैं यहाँ पर ईस्टर्न साइड ऑफ द मैप की तरफ से होता हुआ प्लेन पाथ गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाता हुआ ये प्लेन जरूर दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पर इसी के साथ साथ ड्रॉप पॉइंट्स यहाँ पर टीम्स को पहले से एलोकेट जरूर दे दिए गए हैं. बट इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जरूर देख सकते हैं कि यहाँ पर टीम्स जो अपने ड्रॉप पॉइंट्स की तरफ जाने की जो है प्रोसेस जो उन्होंने एक वो शुरू कर दिया है यहाँ पर. एंड इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं जो है एक सदर्न रीजन जो है एक सदर्न जो एक नॉर्थ जो साउथ वेस्टर्न रीजन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है अचीव करना. बाकी सारे टॉप पॉइंट्स यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है टीम जो है अच्छे से जा सकती है एंड अचीव कर सकती है. बट इसी के साथ जो फर्स्ट जोन जो है वो भी यहाँ पर जो है फॉर्म हो तो हमको ज़रूर दिखाया जाएगा. और जो फर्स्ट जोन है वहाँ पर वो अभी के लिए फॉर्म हो चुका है टूवर्ड्स दी entirely towards the western side as usual. As Erangel की तरफ हमने देखा था. Erangel में जो है थोड़ा सा northern side की तरफ ज़रूर ये zone shift हुआ था. बट इस पारी के लिए थोड़ा northern southern side जाता हुआ ये प्लेन का सॉरी ये जो जोन जो है जो फर्स्ट जोन जो है अभी फॉर्म होते हैं. बट इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी जो टीम्स हैं अपनी ड्रॉप पॉइंट्स की तरफ जाते हुए जो ज़रूर दिखाई दे रही हैं. फिलहाल के लिए यहाँ पर हम देखें तो कोई टीम यहाँ पर अगर हम देखें तो एल पोजो की साइड में अगर हम देखें तो एम के की टीम जो है फिलहाल के लिए लूट करती हुई दिखाई दे रही है. फर्जू यहाँ पर है. डस्क है. TOG की खान है. नॉट ओके वो फिलहाल के लिए अपनी दूर करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं. जोन से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये अभी भी 480 मीटर्स जो है कहने के जोन से जो है होते हैं. बट 480 मीटर्स इज नथिंग टू अचीव. मीरामार इज अ वेरी ह्यूज एंड वास्ट मैन. यहाँ पर जो है टीम का जो बैठा हुआ कम्प्लीटली चेंज हो जाता है यहाँ पर एज कम्पेरेटिवली टू Erangel. स्ट्रैटेजी डिफरेंट है. एंगल्स होल्ड करना रिजेस का यूज़ करना एज वेल एज एक कवर देना जो ज़रूरी है वो यहाँ पर ज़रूर देखा जाता है टीम्स की तरफ से एक दूसरे के ऊपर. बट इसी के साथ साथ हम यहाँ पे चलते हैं टूवर्ड्स अनदर टीम T20 की टीम की तरफ चलते हैं. मूसा बापू MMNBs फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से पिकार्डो में जो है ये लूट करते हुए जरूर दिखा देंगे. यहाँ पर कहने की ड्रॉप फ्लैश जो है मुझे लग रहा था जो हमको देखने को मिलेगा वो नहीं देखने का. पावर क्रिट की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे टीम ऑफ स्टार्स लूट करती हुई दिखाई दे रही है. OES की तरफ देखें तो यहाँ पर OES की जो ये टीम TDM पेन घोस्ट पेन है वो अभी फिलहाल के लिए ऊपर वाले जो कंपाउंड्स हैं वो अराउंड पावर प्लांट के पावर ग्रिड के ऊपर के जो एरियाज हैं वो छोटे छोटे कंपाउंड्स वो लूट करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं. बट इसी के साथ हम चलने वाले हैं टूवर्ड्स अदर टीम जो है मॉन्टेन्यू की तरफ. अगर हम चलें तो मॉन्टेन्यू की तरफ अगर हम देखें तो में यहाँ पर एग्जीक्यूट की जो स्क्वाड है वो यहाँ पर फिलहाल के लिए एक लूट करती जरूर दिखाई दी. बट यहाँ पर जो एक बंदा है वो है IV ड्रैगन 69. और मुझे ऐसा लग रहा है कि IV ड्रैगन 69 ने जैसे होल्ड कर रखा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बंदे को खा के ही जाएंगे. बट इसके साथ फेरी वहाँ पर जो है नॉक होके जो है हो चुकी है फिनिश. और एंड देखें तो यहाँ पर फिलहाल के लिए अगर तो यस यहाँ पर जो है IV के ड्रैगन 69 को ज़रूर स्पॉट किया गया. और IV के ड्रैगन 69 को जो यहाँ पर स्पॉट करके ज़रूर फिनिश किया विद दैट मॉडी. एंड ड्रैगन 69 की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने होल्ड ज़रूर किया गया था. बट यहाँ पर इसी के साथ साथ उनको जो है फिनिश ज़रूर किया गया है गाइज. तो चलते हैं टूवर्ड्स TMG मार्क होल की तरफ. और अगर हम TMG की टीम की तरफ यहाँ पर चलें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐसे अभी जो फिलहाल के लिए एलिमिनेशन जो यहाँ पर हमको देखने को मिले हैं वो है फेरी एंड IV ड्रैगन 69 का. दो इंडिविजुअल प्लेयर्स जो यहाँ पर एंटर किए थे यहाँ पे एंड इसी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर हो चुके हैं एलिमिनेट. एंड
आर्जियन गेमिंग, हाय व्हाई यू किकिंग फ्रॉम ब्रो, क्योंकि ये रूम जो है आईडी पास जो है आपको सिर्फ सेलेक्टिव प्लेयर्स के लिए आता है और यहाँ पर जो रैंडम्स होते हैं उनको किक कर दिया जाता है। सो दिस इज़ नॉट अ कस्टम मैच, सो इसलिए आपको यहाँ पर किक ज़रूर किया गया होगा। बट इसी के साथ साथ हम चलते हैं टूवर्ड्स T20 की स्क्वाड। यहाँ पर हम देख चुके हैं TS की स्क्वाड, यहाँ पर हम देख चुके हैं कि टीम ऑल स्टार्स की तरफ से फिनिशर यहाँ पर जो है UMP और एक हाथ में उन्होंने पकड़ ली है मिनी के साथ साथ उनका जो है कहीं ना कहीं जो है एक मीना मार का जो ये मैप है। हमने ये ज़्यादातर देखा है कि मिनी का यहाँ पर जो यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, अगर आप बाकी सारे के सारे जितने भी बट यहाँ पर UNK की सोलो बोल्ट की तरफ हम जाने UNK की टीम यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलों में आती है ज़रूर दिखाई दे रही है, बट यहाँ पर UNK की तरफ हम देखते हैं यहाँ पर सोलो बोल्ट नॉक हो चुके हैं। 98 के जो हसन SK है वो यहाँ पर नॉक होकर फिनिश हो चुके हैं। SK जो वलूद है आई गेस ही इज़ द ओनली वन सर्वाइविंग प्लेयर यहाँ पर फिलहाल के लिए। 3-man स्क्वाड इनका जरूर यहाँ पर देखो, इसके सेक्सी बॉय यहाँ पर जो है गाड़ी से गिर के जो है मेरे ख्याल से उन्होंने बाइक से यहाँ पर कुछ जरूर किया था मेरे ख्याल से, और वो बाइक से जो है करके कुछ करके जरूर यहाँ पर नॉक हो चुके हैं। बट वहाँ DX के खादी यहाँ पर जा चुके हैं फिलहाल के लिए। 4-man स्क्वाड की तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी भी जो सिचुएशन काफ़ी अच्छी होती है, पर यहाँ पर पीछे से जो है मेरे ख्याल से RDX के फादी को जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं नेट जरूर पड़ा था, और नेट जो है SK वलू को काफ़ी अच्छा कनेक्ट कर गया वहाँ पर। बट TMG मार्कोर वहाँ पर जो RDX के फादी को रिवाइव देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं वहाँ पर, बट इसके साथ SK वलू वहाँ पर स्पॉट करने के मारने की कोशिश। DW के लोडर वाइटी वहाँ पर RTD के ब्लास्टर को जरूर लिया, रेड लोडर वाइटी ने वहाँ पर रोड के स्टोन को भी वहाँ पर जो है ज़रूर लिया है वहाँ पर। बट इसी के साथ साथ हम चलने वाले हैं फिलहाल के लिए जो है एक दूसरी टीम की तरफ, बट यहाँ पर जो है जो क्योंकि रोमियो वाइटी वहाँ पर अगेन कमिंग इन एक्शन। DW बाजवा के जो है वहाँ पर वो आ चुके हैं, बट चलते हैं टुवर्ड्स उनकी स्क्वाड की तरफ फटाफट से उनको तरफ देखने की कोशिश की जाएगी। बट यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर DW के बाजवा चाचे वहाँ पर जो एक बंदे को ज़रूर उन्होंने जो है एलिमिनेट किया। एंड इसी के साथ साथ जो स्क्वाड नंबर 16 की अगर हम बात करें तो खुसरी YT, गांडू YT एंड लोरा YT की तरफ से अगर हम देखें तो लोरा YT के पास यहाँ पर जो है अमेजिंगली 3 kills जो है उन्होंने अब उठा लिए हैं। यहाँ पर एक स्क्वाड को जो है ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया गया है यहाँ पर अगर हम देखें तो, और वो स्क्वाड है यहाँ पर रोर पांडा YT की जो RTD ब्लास्टर रोड स्टोन और वी स्कॉर्पियन जो हमको देखने को मिलता है। अगर हम रोर पांडा YT की बात करें तो अपनी स्क्वाड से काफ़ी दूर होते हुए फिलहाल के लिए गैस हाथ में जो है उनके है ओनली M7 एंड M7 के साथ साथ जो यहाँ पर उजी उनके हाथ लगते हैं, यहाँ पर जो है कहीं इसे स्पॉट करने की कोशिश जरूरत है। गन्स की अगर हम बात करें तो उनके पास क्लोज रेंज के लिए बहुत ही OP गन्स यहाँ पर उनके हाथ लग चुकी है, बट यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं होता है। मेरा मार ऐसा मैप जहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा टाइम लेकर खेलना था, यहाँ पर जो है TMG के साइको जो है वो यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए नॉक्स निकाल दें। सो लेट्स गो टूवर्ड्स TMG की टीम की तरह, अगर हम TMG की टीम की तरह अगर हम एक नज़र डालें तो वी विल गेट टू नो कि वहाँ पर क्या ही चल रहा है। बट फिलहाल के लिए मुझे TMG की पूरी टीम है वो मुझे यहाँ पर जो है दिखाई नहीं दे रही है। जैसे भी TMG के साइको एंड मार्कोर जो यहाँ पर आ चुके हैं, और साइको की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनकी जो हेल्थ जो है वो काफ़ी कम होते हैं यहाँ पर गाड़ी से जंप आने की वजह से फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो। बट इसी के साथ साथ जो हम ये देख सकते हैं कि RDX फादी है उनके साथ मार्कोर एंड शाहिर YT है। मार्कोर ने वहाँ पर 2 kills जरूर उठाया, साइको ने वहाँ पर 1 kill जरूर उठाया। DONO इज लास्ट मिनट्स की तरफ जो है पुश करने की कोशिश जो है उनकी वो जारी है अभी तक। कहीं ना कहीं जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर वाली बिल्डिंग या कोई जो है अभी उनकी तरफ से जो है होल्ड की जाएगी, पर यहाँ पर जो अभी भी फिलहाल के लिए कोई भी यहाँ पर जो है स्टॉप लेने का नाम जो है वो नहीं आ रहा है। अभी भी जो है यहाँ पर TMG की टीम आगे बढ़ती है। TMG के साइको जो है वहाँ पर ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर वाला एंगल उन्होंने ज़रूर होल्ड किया, और ऊपर वाला एंगल होल्ड करने के साथ साथ अपने आप को फटाफट से जो है फर्स्ट एड लगा कर हील करेंगे वहाँ पर। एंड हील करने के साथ साथ में भी थोड़ी सी जो है ड्रिंक्स जो है एक जो यूटिलिटीज़ हैं वो पीने की कोशिश और वो खाने की कोशिश जो है उनकी ज़रूर यहाँ पर रहेगी कहीं ना कहीं। बट इसी के साथ साथ जो है हम चलने वाले हैं टूवर्ड्स डस्ट की तरफ। हम जो इसके स्नीक पेन को उन्होंने ज़रूर नॉक ज़रूर किया है वहाँ पर, सो हम चलने वाले हैं टूवर्ड्स स्नीक पेन की तरफ। अगर हम स्नीक पेन की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर वो नॉक हो चुके हैं। NTDM पेन फ्यूरी एंड रोज पेन R3 प्लेयर्स जो अभी भी सर्वाइव करते हैं मुझे ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर इसी के साथ साथ जो है एक एंगल्स जो है डिफरेंट वो बनाने की कोशिश जो है की जा रही है स्क्वाड नंबर 17 से जो है यहाँ पर उनकी तरफ आए ज़रूर है। एक रूम टीम मेरे को जो है यहाँ पर बचाना कितना इंपॉर्टेंट है वो इनसे पूछे,
और यहाँ पर इसी के साथ स्नीक पेन जो है यहाँ पर अभी भी बैठे हुए हैं। स्नीक पेन के पीछे जो है अगर हम देखें तो यहाँ पे टीजन पेन आ चुके हैं और टीजन पेन जो है यहाँ पर जो है अपने आप को बचाने की कोशिश अभी भी रहेगी स्नीक पेन की तरफ से, और स्नीक पेन को जो है एक भी गोली कलेक्ट नहीं होते। यार इसी के साथ साथ स्नीक पेन जो है पर एक बहुत ही अच्छा रिवाइव जो है क्विक रिवाइव जो है रिवाइव मिलेगा उनको फिलहाल के लिए फ्रॉम टीडीएम पेन एंड टीडीएम पेन यहाँ पर एक अच्छा रिवाइव है। तो हेलमेट की अगर आप बात करें यहाँ पर स्लीप पेन की हेलमेट है वो बहुत ही अच्छा है, उन पर डैमेज हो चुका है, डैमेज पर उनका सब कुछ है नहीं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है। बट यहाँ पर एम के की स्क्वाड की तरफ अगर हम देखें तो वो भी थोड़ी सी सैंडविच सिचुएशन में फंसते हैं यहाँ पर। एम के की स्क्वाड की जो ये बात है वो इसकी स्क्वाड के साथ स्क्वाड नंबर 17 जो है यहाँ पर एम के की स्क्वाड जो है अब दो प्लेयर्स के बीच में जो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि वो वहाँ पर जो है एक सिचुएशन में फंस गए जो है सैंडविच सिचुएशन से ऊपर से मारने की कोशिश की स्नेक पेन को। एंड यस वहाँ पर स्नेक पेन जो है हो चुके हैं नॉक डाउन बाय जोन चूजी। चूजी जो है यहाँ पर उनकी तरफ से जो एक बहुत ही अच्छा स्कारल का स्प्रे हमको ज़रूर देखने को मिला। स्नेक पेन को उन्होंने वहाँ पर ड्रॉप जो है ज़रूर किया, बट इसी के साथ साथ जो है हम ये देखने वाले हैं कि फ़िलहाल के लिए क्या वो लोग जो है यहाँ पर से पुश करने वाले हैं या तो फिर वो लोग ऐसे ही चुमिया दे रहे थे कि थोड़ी सी तुम भाई नॉक ले लो उसके बाद जो आगे देखेंगे। बट यहाँ पर कार्टल के डैडी जो है अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर कहेंगे स्पॉट करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी, गाड़ी का जो है यहाँ पर कवर बनाने की कोशिश जरूर करती है। वो इसके टी डी एम और डी डब्ल्यू के जहाँ पर बाजार करने के जरूर नौ क्या तो डी डब्ल्यू की टीम यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलों में आते बड़ी सी कार्टेल के डैडी को जो है थोड़ा सा हेड शॉट पड़ा है, मुझे ऐसा लगा यहाँ पर पड़े नहीं, यहाँ पर जो इसी के साथ वो यहाँ पर जा चुके हैं। बट यहाँ पर अगर हम स्क्वाड नंबर 12 की बात करें यहाँ पर तो कार्टेल के डैडी हैं यहाँ पे, एंड उनको एक रिवाइव दी जाएगा जोन चूजी की तरफ से। जोन चूजी जो है फिलहाल के लिए कवर देने की कोशिश जरूर करेंगे डैडी को, बट इसी के साथ साथ हम नीचे की तरफ देख सकते हैं कि ओ एस की स्क्वाड अभी भी जो है पुश करने की कोशिश मेरे ख्याल से उनकी रहेगी, या जो है गाड़ी लेके जो है एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना जो है उनकी तरफ से एक जो समझदारी वाला मूव है वो हमको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर फिलहाल के लिए जो है ऊपर में घूमते हुए बंदे जो है मुझे ट्रेन है उनको वहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश जरूर की फ्रॉम कार्टेल जैदी, बट वो जो है सक्सेसफुल जो है काफ़ी डैमेज होते हुए, और इसी के साथ साथ जो है वहाँ पर कोशिश जो है वो भी जहाँ पर जारी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बग्घी में भी बंदा है, पर बग्घी में जो है अभी फिलहाल के लिए कोई भी नहीं था। टी एम जी की जो ये जो टीम थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो है उतर चुकी थी, बट इसी के साथ साथ हम जाने वाले हैं टूवर्ड्स अभी ये डी डब्ल्यू के जो टीम है उनकी तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल के लिए गांडू वाइटी जा चुके हैं डी डब्ल्यू की जो स्क्वाड है उनकी डी डब्ल्यू की आपसी के स्क्वाड के साथ यहाँ पर फाइट होते हुए जरूर दिखाई दे रही है। स्क्वाड नंबर 3 की अगर हम जरूर बात करें स्क्वाड नंबर 3 देखें यहाँ पे तो उनके पास जो किल्स है 4 किल्स जो उनके पास डी डब्ल्यू के अरमान अंग काशिफ के पास है। हम देख सकते हैं कि डी डब्ल्यू की टीम ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जो है सफाई किया, बट यहाँ पर इसी के साथ साथ ओ एस की जो टीम है यहाँ पर ओ एस में जो कदीर है उन्होंने यहाँ पर जो है 2 किल ज़रूर अपने नाम किए हैं फिलहाल के लिहाज से, वहाँ पर जो है नॉक हुए पड़े हैं। कदीर वहाँ पर सपोर्ट देने की कोशिश जरूर है, जडार की टीम उनके सामने होते हैं गुलफाम के पास ही मेरे ख्याल से, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स जो है उनके वो ज़रूर नॉक हुए हुए हैं फिलहाल के लिए। अपने आपको हील करा जा रहा है गुलफाम की तरफ से जो है स्मोक्स फेंकने की कोशिश वो अभी भी जारी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कारल एंड थॉमसन का यूज़ जो है उनका वो किया जा रहा है, बट यहाँ पर जो पुश जो है अभी भी इस टीम को देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेट ज़रूर फेंका गया था कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर कि वहाँ पर कामी को, बट क्या वहाँ पर कामी आगे बढ़ पाएंगे, क्या यहाँ पर सरदार की जो पूरी टीम है सर्वाइव करने में जो है एक कामयाब हो पाएगी। स्मोक्स का बहुत अच्छे से यूज़ करते हुए गुलफाम की तरफ से, गुलफाम अभी जो है अपने जो स्मोक्स जो है ऑन पॉइंट फेंकते हुए हर वक्त दिखाई देते हैं, स्मोक्स का बहुत अच्छा यूज़ करते हुए। एंड फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो थोड़े बल्स हैं वो यहाँ पर फिनिश ज़रूर हो गए, बट यहाँ पर T20 के बापू का गोइंग टू गो टूवर्ड्स T20 के बापू की तरफ, बट यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग होगी जान गया। एंड इसी के साथ
नॉन ने जो है वहाँ पर जरूर एक नॉन ने कहा जेड आर के काम ही को उन्होंने ज़रूर यहाँ पर नॉक जो है वो दे चुके हैं। एंड इसी के साथ साथ आगे बढ़ती हुई टीम ओ एस के जो है गुलफाम है वो भी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। 6-6 उनके हाथ लगते हुए हैं। एंड स्कारल में जो उन्होंने अपने फिट ज़रूर किया है फिलहाल के लिए। अगर हम किल्स की बात करें 5 किल्स यहाँ पर जो है कदीर की टीम ने ज़रूर उठाए हैं। कदीर के पास 2 किल्स हैं, कमरान के पास 3 किल्स हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर अभी हमको इस टीम की तरफ से देखने को ज़रूर मिली है। यू एन क्यू की टीम की अगर हम बात करें तो यू एन क्यू ने यहाँ पर अर्ली स्टेजेस में 2 प्लेयर ज़रूर यहाँ पर कमाए आगे कुछ करने के जो है मूसा की तरफ जो उनका कनेक्शन नहीं होते हुए देखना। मूसा जो है आगे निकल चुके हैं फिलहाल के लिए, बट यू एन क्यू के प्लेयर्स यहाँ पर अभी भी आगे बढ़ते हुए। टीम नंबर 24 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टीम नंबर जो 24 है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मूसा बापू MMN 20 अभी भी फिलहाल के लिए जो है चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव करते हैं। पिछली गेम में जो 2 प्लेयर बापू ने यहाँ पर 1 किल जरूर उठाया, मूसा ने यहाँ पर 1 किल जरूर उठाया, MMN ने यहाँ पर 1 किल जरूर उठाया, बट 20 अभी भी जो है अपना खाता खोलने की कोशिश यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। बट इसी के साथ साथ हम देखें तो यहाँ पर फिलहाल के T20 के 20 जो है वो पीछे से आ चुके हैं अपने टीममेट को जो है कवर देने के लिए। बट यहाँ पर TRT के सेंस नॉक होते हुए फ्रॉम एग्जीक्यूट की स्क्वाड की तरफ, अगर हम एग्जीक्यूट की स्क्वाड की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर मुकद्दर ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं, रियानू यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, मुकद्दर यहाँ पर नॉक होकर फिनिश हो चुके हैं। I8 के फ्रैक्स जो है वो रह गए हैं विद हिज फ्रेंड अभी फिलहाल के लिए सर्वाइव करते हैं। बट क्या यहाँ पर एग्जीक्यूट की स्क्वाड को जो है TRT की स्कल ने वहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा नॉक ज़रूर निकाल के अपना नाम जो है एक पॉइंट ज़रूर किया है। बट यहाँ पर TRT की टीम की तरफ अगर हम चले तो TRT के पास 1 किलर जो अभी जो है फिलहाल के लिए स्कल ने जो है अपने नाम यहाँ पर ज़रूर किया है। बट यहाँ पर फिलहाल के लिए I8 के जो फ्रैक्स है वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग फॉर हिम फिलहाल के लिए। क्या यहाँ पर भाई सिचुएशन जो है एक्स की टीम की तरफ जो है ये जा सकती है। यहाँ पर जो उनका आखिरी प्लेयर था यहाँ पर सर्वाइव करता है, बट इसके अंदर TRT के दनियाल ने उनको भी वहाँ पर नॉक किया। बट अगर आप देखें तो दनियाल की भी हेल्थ वहाँ पर काफ़ी लो हो चुकी थी, बट उनकी तरफ से क्या ही परफॉर्मेंस हमको देखने को मिलती है। 1v4 सिचुएशन जो है वो आराम से यहाँ पर पुल ऑफ कर सकते थे, बट थोड़ा सा वो जो है वहाँ पर रह गए हैं। बट यहाँ पर TRT अपनी स्क्वाड को संभालते हुए एंड इसी के साथ साथ दनियाल के पास जो है 2 किल्स होते हुए एंड 1 किल जो है यहाँ पर स्कल को जरूर देखे थे। हम यहाँ पर चलते हैं टूवर्ड्स GVM की टीम की तरफ। GVM के जो मार्को है अभी भी यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश है उनकी तरफ से सेव करने की कोशिश रुकी थी। DW के काशिफ यहाँ पर क्या ही स्प्रे दिया है और स्प्रे दे दी यहाँ पर GVM के जो मार्को है वो यहाँ पर एक नॉक जो है उनको ज़रूर दे दिया गया। बट इसके साथ CS के जोकर ओपी है, GVM के फरियन, GVM के स्लेयर जो है वो अभी भी यहाँ पर फिलहाल के लिए सर्वाइव करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। बट क्या लगता है गाइज आपको यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पर जो है एक सिचुएशन अगर हम टीम्स की बात करें तो 14 टीम्स आर स्टिल सर्वाइविंग एंड 47 प्लेयर्स आर स्टिल इनसाइड द गेम। अगर हम यहाँ पर चलिए यहाँ पर जो है एक बार टीम ऑल स्टार्स की तरफ चलते हैं। टीम ऑल स्टार्स की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ट्राई आउट है, बेबी है या है, और ये कौन है, Insane MVP। यस Insane MVP जो है अभी भी के लिए जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्वाइव करते हुए दिखा दे रहे हैं। डिफरेंट एंगल्स जो उनकी तरफ से होल्ड किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको पता है कि कहीं ना कहीं से जो है मे बी ऐसा हो सकता है कि एक पुश जो है वो हमको देखने को मिले। TS के जो यहाँ है वो अभी भी जो है खड़े होके कहीं ना कहीं जो है होल्ड करने की उनकी जो एक आदत है कहीं ना कहीं वो अभी भी दिखाते हुए। एंड यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि एक प्लेयर को जो ओपन में भेजा गया था और एक प्लेयर को यहाँ पर जो है शैक के अंदर जो है सेफ रखा गया था। बट इसी के साथ साथ यहाँ भी फिलहाल के लिए जो है मूवमेंट देते हुए एंड मूवमेंट देने के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं वो अपने को बचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बट यहाँ पर इसी के साथ हम देखे थे Insane MVP के पास जो है काफ़ी अच्छे एक एंगल है, कार्टल डैडी को उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्पॉट कर, कार्टल डैडी को उन्होंने बहुत ही अच्छा एक नॉक जरूर दिया विद दैट M4 4X। यहाँ पर जो हम देख सकते हैं कि कहने की कार्टल की टीम के ऊपर जो है काफ़ी अच्छे वहाँ पर जो है एक एंगल बनाने की कोशिश की गई थी। बट यहाँ पर इसी के साथ साथ जो एक लेट के मारने की जो एक स्प्रे मारने की जो एक कोशिश थी वो यहाँ पर थोड़ी सी जो है हमको ज़रूर देखने को मिली, थोड़ी सी नाकामयाब होती है। बट स्क्वाड नंबर 12 के जो है एक जोन सूजी है वो भी वहाँ पर जो है फिलहाल के लिए आ चुकी है। एंड इसी के साथ साथ जो कार्टल की जो ये टीम है काफ़ी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। बट यहाँ पर कार्टल की टीम के साथ साथ यहाँ पर गद्दार की टीम
एंड मुझे ऐसा लगता है कि जेडार की यहाँ पर होने का एहसास है, वो यहाँ पर जो है कार्टल की टीम को बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर टी आर के तो बेबी ने यहाँ पर कार्टल के रोनी को जरूर अगेन यहाँ पर अगेन एक जो एक नॉक जरूर दिया है। एंड जेडार अभी भी जो है फिलहाल के लिए अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए जरूर दिखा रहे हैं। M4 उनके हाथ में जरूर लगी हुई यहाँ पर, बट क्या यहाँ पर जो है जेडार के दो बंदे जो है कुछ कमाल कर पाएंगे। टू एलिमेंट कार्टल का ये प्रोग्राम, कार्टल के किंग वहाँ पर जो आगे जाते हैं, कार्टल के किंग को एलिमेंट करने का तरीका जो था उनके जो मौका था सरदार के ईथन और मेटल की तरफ जो था वो वहाँ पर आराम से जो है थोड़ा सा मिस हुआ है। एम के मतलब जूनी है वो आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करी है कहीं ना कहीं, और गाड़ी निकाल ली गई है। गाड़ी में अगर देखो तो मेरे ख्याल से इनकी तरफ से जो है पुश तो नहीं, क्योंकि मैं ये बोलूँगा क्योंकि वो अभी भी जो है एक जो है वो ज़रूर होल्ड करते हुए दिखाई, बट जी बी एम के फरी वहाँ पर जो है व्हीकल ब्लास्ट में हमको जो है नॉकआउट होते जरूर दिखाई। जी बी एम की तरफ अगर देखें तो सी एस जोकर ओ पी और मार्को वो दोनों के दोनों यहाँ पर जो है नॉकआउट हो चुके हैं। फरी वहाँ पर जो है मेरे ख्याल से ब्लीड आउट हो जाएंगे अगर जी बी एम की स्लेयर जो है वहाँ पर ऑन टाइम नहीं आ पाए तो। जी बी एम के स्लेयर फिलहाल के लिए फुल कोशिश करते हुए कि वो फरी को जो है एक जीवन दान जो है वो दे सकें। ऐसे इसी के साथ उन्होंने वहाँ पर जो है घोस्ट पेन ने वहाँ पर जो है टी ए एस के जो इनसेन एम वी पी है उनको ज़रूर वहाँ पर नॉक किया। सो लेट्स गो बैक टूवर्ड्स दैट फाइट। बट टी आर टी की टीम अगेन कमिंग बैक इन एक्शन। टी आर टी की जो द बेबी है वो यहाँ पर जो है ज़रूर नॉक हो चुके हैं, बट इसी के साथ साथ टी एस के जो इनसेन एम वी पी है वो वहाँ पर नॉक हो चुके हैं टेक फायर में, बट द बेबी वहाँ पर अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ने की कोशिश शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम मेट्स के लिए जो है वो जरूर मार के लिए जी बी प्ले वहाँ पर फिनिश होते हुए टी आर की डिग्री तो जो द बेबी है वो भी यहाँ पर फिनिश होते हैं। इनसेन एम वी पी यहाँ ड्राइवर जो अभी भी यहाँ पर सर्वाइव करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए जो एक दूसरा ब्रिज जो है वो होल्ड करने की कोशिश उनकी रहेगी। यस जो मैंने बोला कि उनको जो है उनके मैंने कहा एलिमिनेट करने की जो खुशी है वो जरूर रखी, बट इसी साथ साथ टी आर टी की टीम यहाँ पर आते हुए टी आर टी के सैन सैन दंगाल वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहने के उनको स्पॉट करने की कोशिश वो जरूर से कर रहे हैं। का जो कनेक्शन है थोड़ा सा हमको जरूर देखने को मिला, टीम ऑल स्टार्स वर्सेस टीम टी आर टी यहाँ पर हमको जरूर देखने को मिल रहा है। एक टाइम पर एक ही टीम भी हुआ करती, बट फिलहाल के लिए यहाँ पर जो है उन्होंने अपना अपना जो है एक थोड़ा सा लाइनअप बनाने की कोशिश की है और अपने आप को जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर टी ट्वेंटी के जो बीस्ट है वो यहाँ पर एलिमेंट है, वो इसके गुलफाम जो है प्ले जोन का शिकार होते हैं। लेट्स गो वर्ड्स गुलफाम। गुलफाम के लिए मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए हर बार की तरह गुलफाम जो है यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं। वेस्ट की बात करें उनकी तो वेस्ट जो है वो काफ़ी डैमेज हो चुकी है यहाँ पर, बट कम स्पिंस के जो कमरान है उन्होंने वहाँ पर जो है उनका एलिमिनेट जरूर किया। स्पिंस की कमरान की अगर हम बात करें 3 किल्स उनके पास होते हुए, 2 किल्स जो है गदीर के पास होते हुए, इसके साथ हाजी यहाँ पे 0 किल्स का, कमरान अभी भी सर्वाइव करते हुए विद दैट 3 किल्स आगे बढ़ने की कोशिश उनकी ज़रूर रहेगी। यहाँ पर कहने के स्प्रे मारने की कोशिश ज़रूर रही वहाँ पर फ्रॉम शैम्पू रोना की तरफ से, रोरा की तरफ से, और बट यहाँ पर जो शैम्पू जो है खुद अब थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट नहीं यहाँ पर स्पिंस के कमरान जो है मुश्किल में होते हैं। इसके साथ साथ जो जोन में जो है कमरान को वहाँ पर जरूर पिकअप करेंगे क्या मारखोर वहाँ पर होते हैं। फिलहाल के लिए शैम्पू जो है वो अभी भी जो है जोर में है। क्या ही परफॉर्मेंस, क्या ही यहाँ पर एक जो है एस्केप किया गया फ्रॉम वन थीम टू अनदर, और उसके बाद जो जोन में एंट्री की गई यहाँ पे टीएमजी मार्कोर की तरह। टीएमजी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 किल्स जो है उनके नाम भी होते हैं यहाँ पर फिलहाल के लिए, बट इसी के साथ साथ जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 टीम्स आर रिमेनिंग एंड 26 प्लेयर्स आर स्टिल रिमेनिंग इन दिस गेम। DW की टीम की अगर हम बात करें तो DW के पास जो है अरमान है, काशिफ है, DW हमजी वाई टी है, DW इरफान नबी भी स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश। टीएमजी मार्को ने वहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा स्प्रे कनेक्ट किया पर अननोन और वार्ड के ऊपर, और इसी के साथ साथ जो है अननोन और वार्ड हो चुके हैं एलिमिनेटेड। गाइस ये स्प्रे आप ज़रूर रेट करना यहाँ पर टीम जी मारखोर की तरफ जो है, अगर आप देखें तो उनकी तरफ से जो स्प्रे जो था वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर उनका कनेक्शन बनते हुए ज़रूर दिखाई दिया हमको, बट इसी के साथ साथ यस बट इसी के साथ साथ जो है अभी TMG की जो मारखोर है वो फिलहाल के लिए जो जोन में एंट्री देने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज़ द ओनली वन सर्वाइविंग फ्रॉम हिज क्लैन, बट वहाँ पर जो है गोली मार के व्हीकल ब्लास्ट करने की अगर कोशिश की गई तो जो है उनकी किस्मत जो है वो है, बट अभी कोशिश कर
यहाँ पर टीएमजी के जो ये जो मार्को है उन्होंने यहाँ पर बुराक के सालिम को भी यहाँ पर पिक ऑफ कर लिया, बट इसी के साथ साथ जो है यूएनक्यू की जो रोमियो एम के स्लेयर वहाँ पर जो है पिक ऑफ करने की कोशिश की थी, उनको वहाँ पर फिनिश करने की कोशिश ज़रूर थी, बट वहाँ पर जो है जी बी एम के स्लेयर वो सर्वाइव करते हुए नहीं, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जी बी एम की जो स्क्वाड है वो पूरी डेड हो चुकी है फिलहाल के लिए। यस, जी बी एम की पूरी स्क्वाड यहाँ पर डेड हो चुकी है। एंड इसी के साथ अगर हम स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जेंटार की टीम भी यहाँ पर एलिमिनेट होते कार्टेल की तरफ से, एंड यहाँ पर जो है ओ एस के जो गोल है वो अभी भी सर्वाइव करते हुए टैप टैप दिया जा रहा है टी डब्ल्यू के अरमान की तरफ से, बट इसी तरह टी एस के जो फिनिशर है वो अभी भी सर्वाइव करने की कोशिश, टी एस के जो यहाँ पर बंदे हैं वो अभी सर्वाइव करने की कोशिश उनकी अभी भी जारी है, बट यहाँ पर फिनिशर जो है अगेन जो है यहाँ पर जो है मुझे लग रहा है कि जोन का शिकार होते हुए जरूर देखेंगे, जोन काफ़ी छोटा होता है और फिनिशर को जो डैमेज जो पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहा है। और अगर जोन की बात करें तो भले ही 80 meters टू एंटर इन साइड द जोन, बट यहाँ पर जो इसी के साथ साथ जो है फिनिशर ने एंट्री ज़रूर ली जोन के अंदर, और जोन के अंदर एंट्री लेते ही जो है वहाँ पर उनको पड़ा है एक शॉट फ्रॉम डी डब्ल्यू इरफान अरमान की तरफ से, जो है वो जो एक मिनी का शॉट है वो ज़रूर कनेक्ट किया गया। इसी के साथ साथ डी डब्ल्यू के जो अरमान है वो उन्होंने यहाँ पर फिनिशर का किल ज़रूर उठाया। जोन की बात अगर करें तो भाई जोन में जो है यहाँ पर टीम जो जोन के बिल्कुल पास है वो है डी डब्ल्यू की स्क्वाड, और डी डब्ल्यू की स्क्वाड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाइज 4-man स्क्वाड इनका होता हुआ एंड 3-man स्क्वाड टीआरटी का होता हुआ एंड कार्टेल का होता हुआ, तो मुझे ये बताएं गाइस कि यहाँ पर कौन आपको लगता है कि सरवाइव कर पाएगा और कौन ही यहाँ पर जो है जीत पाएगा। फिलहाल के लिए जो अभी जो यहाँ पर जो सिचुएशन है टीआरटी टीम के पास 6 kills है, कार्टेल की टीम के पास 1 kill है, डीडब्ल्यू की जो लाइनअप है उनके पास है टोटल 9 kills। तो क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम यहाँ पर किस टीम को एलिमिनेट करने में ज़्यादा कामयाब हो पाएगी? बट फिलहाल के लिए धनियाल जो है अपनी लूट करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, क्रेट उनके पास जो है बनी हुई जरूर दिखाई देगी, वो M4 ग्लेशियर से जो बनती है बनाने की कोशिश कर टीआरटी के धनियाल ने यहाँ पर जो स्क्वाड नंबर 12 जो यहाँ पर कार्ट है उनके ऊपर जो है स्पॉट करने की कोशिश, बट यहाँ पर जो गाड़ी का ब्लास्ट होते हैं इसके साथ किंग को भी यहाँ पर हो चुके हैं, एंड यहाँ पर डीडब्ल्यू के हमजी वाईटी को जो है यहाँ पर कार्टेल के तीनों किल्स जो है वो मिलते हुए, ओ माय गॉड, वहाँ पर जो है जो हमजी वाईटी थ्री किल्स उन्होंने वहाँ पर बनाया, 4 kills अपने नाम टोटल यहाँ पर कर चुके हैं, बट इसी के साथ साथ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे 12 kills जो उनके पास अपने ऑलरेडी टीआरटी के धनियाल यहाँ पर आगे आते हैं, टीआरटी के धनियाल की तरफ से जो स्मोक जरूर किया गया है एंड स्मोक करते ही जो यहाँ पर ड्रॉप की पीछे को आपको बताने की कोशिश की जा रही है विद दैट पर्टिकुलर कवर बना के, बट आउटसाइड प्ले जोन अगेन यहाँ पर टीआरटी के स्कल जो है आउटसाइड प्ले जोन का जो है शिकार होते हुए टीआरटी की तरफ से सेंस जो है वो यहाँ पर जो है फिलहाल के लिए नॉक हो चुके हैं, एंड टीआरटी के धनियाल इज द ओनली वन प्लेयर लेफ्ट इन द स्क्वाड, एंड धनियाल आगे बढ़ते काशिप को यहाँ पर स्पॉट किया, वहाँ पर उन्होंने काशिप को हमजी वाईटी को नॉक किया, काशिप वहाँ पर जा चुके हैं 2-4v1 की जो सिचुएशन थी ये यहाँ पर बन चुकी है 2v1 की सिचुएशन टीआरटी की धनियाल यहाँ पर, क्या एक मैजिक जो है उनकी तरफ से हमको जरूर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1v4 सिचुएशन इन द लास्ट जोन वो क्या वो हैंडल कर पाएंगे, अभी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर अरमान की तरफ से आते हुए डी डब्ल्यू के इरफान एंड अरमान आर स्टिल सर्वाइविंग बट टीआरटी के धनियाल यहाँ पर अभी भी जो है जोन के पीछे एक जोन से थोड़ा सा दूर होते हुए एंड अपने आप को जो है एक हील करने की कोशिश जो है उनकी ज़रूर रहेगी यहाँ पे, बट यहाँ पर जैसे ही वो जोन के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि टीआरटी के धनियाल जो है कहीं ना कहीं एक सिचुएशन उनके पास जो ये है वो बहुत ही भारी जो है वो पड़ सकती है उनको, क्योंकि उनके पास जोन नहीं है और जोन जो है फिलहाल के लिए वहाँ पर डीडब्ल्यू की टीम के पास होते हैं, बट क्या यहाँ पर डीडब्ल्यू की टीम के ऊपर कुछ ना कुछ जवाब नहीं देगा, बट यहाँ पर जो है धनियाल ने यहाँ पर डीडब्ल्यू के इरफान को जो है ज़रूर नॉकआउट कर दिया है, एंड अरमान जो है वहां पर भी सर्वाइव करते जा रहे हैं, टीआरटी के धनियाल यहां पर फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हुए जोन के अंदर एंट्री लेना उनकी तरफ से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक स्मोक जो है जरूर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि फेंका चाह रहा है फ्रॉम अरमान की तरफ से, इरफान जो है अभी भी फिलहाल के लिए बढ़ने की कोशिश, अरमान जो है वहां पर जोन के अंदर जो एंट्री की है नेट फेंका गया, नेट का कनेक्शन जो नहीं हुआ पर कहने के डी डब्ल्यू के जो अरमान है वहां पर अभी भी यहां पर रह गए हैं, अरमान की तरफ अगर हम देखें तो यहां पे अपने आपको जो है स्मोक के लिए छुपाने की कोशिश जरूर की, यहाँ पर स्पॉट करने को यहाँ पर डी डब्ल्यू के अरमान को यहाँ पर फिनिश करते हुए आ रहा है, बट टीआरटी के धनियाल ने वहाँ पर क्या ही 1v4 इन दी एंड जोन करते हुए और इसके साथ डी डब्ल्यू की टीम को यहाँ पर किया एलिमिनेट, विनर चिकन डिनर ले जाते हुए धनियाल की तरफ से 7 kills उनकी तरफ से जरूर लेके गए हैं, यहाँ पर टीआरटी के स्कल ने जो यहाँ पर 3 kills ले जा चुके हैं, यहाँ पर इसके साथ हम देखें तो 10 kills चिकन डिनर टीआरटी के टीम के नाम होते हुए यहाँ पे टीडब्ल्यू की स्क्वाड की अगर हम यहाँ पर बात करें परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी उनकी, 13 kills उन्होंने जरूर निकाले, बट एक चिकन
कंटेंडर में कन्वर्ट करने में जो है वो नहीं कर पाए। यहाँ पर 1v4 की फाइट थी कहीं ना कहीं, जो उनकी तरफ से बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक्स यहाँ पर हमको देखी गई एक होते हुए, और इसके साथ साथ उनको पनिशमेंट भी दिया गया फ्रॉम टीआरटी दयाल की तरफ से। यानी इसके साथ हम देखते हैं थर्ड पोजीशन में हम देख सकते हैं कि कार्टल की यहाँ पर स्क्वाड आते 1 kill फ्रॉम कार्टल। दैट फोर्थ पोजीशन अगर आप देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टीआरटी की जो स्क्वाड आ चुकी है विद टीम ऑन स्टार्स के साथ आए हैं यहाँ पर छोटू एंड फिनिशर। सो अगर उनकी बात करें तो 3 kills उनके पास भी होते हुए, एंड फिलहाल के लिए फिफ्थ पोजीशन हम देख रहे हैं यहाँ पे ओएस की जो ये पूरी स्क्वाड है आ चुकी है। उनके पास किल्स की बात करें तो 9 kills इनके पास होते हैं। टीम ऑल स्टार्स का एक लाइनअप यहाँ पर आते हैं 1 kill के साथ। 6th पोजीशन में बेबी के पास 1 kill है, एंड 7th पोजीशन में अगर हम देखें तो बुराक की स्क्वाड आते हुए यहाँ पे विद 7 kills। 8th पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर ZR की इसके जो है यहाँ पर एक स्क्वाड आते हुए ईथन की तरफ से 1 kill शुरू करके। 9th पोजीशन में देखें तो UNQ का स्क्वाड यहाँ पर आते हुए, एंड उनके पास जो 5 kills है। 10th पोजीशन में GPM का स्क्वाड आते हुए यहाँ पे विद 0 kills। 11th पोजीशन में जो TMG की स्क्वाड आते हुए 3 kills 5 kills 4 kills उनके पास होते हुए, एंड 12th पोजीशन में अगर आप देखें तो T20 के जो ये BM है बीस्ट मूसा MMN बापू उनकी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर उनके पास भी 5 kills जो है ज़रूर होते हुए। 13th पोजीशन में जो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे कि बेवफा का स्क्वाड आते हुए 0 kills, एंड 14th पोजीशन में हम देखते हैं यहाँ पर कदीर का स्क्वाड आते हुए विद 5 kills जो है उनकी तरफ से रोते देखने को मिला। 15th पोजीशन में देखें तो रोर पांडा वाईटी अपनी स्क्वाड को लेकर जरूर आए थे बट 15th पोजीशन में 0 kills के साथ एलिमिनेट होते हुए। 16th पोजीशन में हम देखें तो एग्जीक्यूट की जो स्क्वाड है वो आ चुकी है यहाँ पर 2 kills के साथ, एंड 17th पोजीशन में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि T20 का जो ये स्क्वाड है वो आई थी विद 1 kill फ्रॉम T20 OS जॉट। एंड 18th पोजीशन में अगर आप देखें तो DW का जो सेकंड लाइनअप था वो आते हुए यहाँ पर उन्होंने किल्स निकालने की कोशिश रुकी थी बट कामयाब नहीं हो पाए। फिलहाल के लिए 4 kills जो है उनकी टीम के पास भी जो है पूरे हो चुके हैं। DMK की जो स्क्वाड है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MK की स्क्वाड के पास 0 kill होते हैं। 19th पोजीशन में जो है हम यहाँ पे SK की स्क्वाड आते हुए 0 kills के साथ, एंड 21 पे IV टाइगर 0 kills, एंड फेरी के जो है यहाँ पर 0 kills। इसी के साथ साथ जो है हम जानने वाले हैं टुवर्ड्स द स्टार ऑफ द मैच, एंड स्टार ऑफ द मैच की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे TRT दयाल जो है उन्होंने यहाँ पर ज़रूर जो है किया है अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस ज़रूर दी उन्होंने। इसी के साथ साथ हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने 7 kills उठाए हैं, एक बोनस ज़रूर उठाया। डैमेज की बात करें तो 1211 का डैमेज उन्होंने ज़रूर दिया। बेस्ट कंपेनियन की बात करें 3 rescue TRT दयाल की तरफ से देखने को मिले, 3 assists भी TRT दयाल की तरफ से देखने को मिले। इसी के साथ फिनिशर की बात करें तो वहाँ पर TRT के दयाल आते हुए विद 7 defeats एंड 3 assists यहाँ पर TRT दयाल कॉन्कर करते हैं पूरा का पूरा ये मैच। ओवर पावर परफॉर्मेंस ओपी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली, स्टार ऑफ द मैच, यस टोटली स्टार ऑफ द मैच यहाँ पर उनकी तरफ से हमको जरूर देखने को मिला। इसी के साथ साथ हम चलते हैं टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीम, आज की जो स्ट्रीम है यहीं पर गाइज हम एंड करेंगे। ये जो मैचेस था, ये जो मीनामार का जो सेकंड मैच था बहुत ही अच्छा मैच हमको, एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस हमको देखने को मिली। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन को दबाना जो है बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। वी विल बी राइट बैक अगेन Tomorrow with new teams, same time 10:30 PM guys, kahin jaiyega nahi, kal fir milenge, till then Allah Hafiz, take care and good night guys. Some time now, just to see you again.